बहुत सुंदर बेटा। थैंक यू सर। लेकिन आप अच्छे कलाकार हैं, हमारी बजाय किसी बड़े पब्लिशर के पास क्यों नहीं जाते? नहीं सर, बाकी सब लोग बहुत कमर्शियल हैं, मुझे आपका पैशन बहुत पसंद है। पैशन में क्या है, हमें फंड्स के लिए हमेशा ही परेशानी बनी रहती है। कोई बात नहीं सर, मैं वेट कर लूंगा। वैसे तुम खुद पब्लिश कर सकते हो ना, पैसे वाले घर से लगते हो। वो मेरे पापा का पैसा है सर, मुझे अपनी आइडेंटिटी चाहिए, आप जैसे लोग पहचानेंगे तो अच्छा लगेगा। मेरा सपना इसी पब्लिशिंग हाउस से लॉन्च होना है। अगर ऐसा है तो एक काम करते हैं, 6 महीने में किसी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ तुम आ जाओ तो फिर हम। डन सर, थैंक यू सर, मैं आ जाऊंगा। हम भी तो चाहते हैं, हमें भी अच्छे आर्टिस्ट चाहिए, पैसा थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो। दैट्स ओके सर, हमारी लाइफ में कोई मैजिक हो जाए ऐसी प्रार्थना मैं रोज करूंगा। गुड, ये लो। थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट। माँ, लड्डुओं की फैक्ट्री लगा है। अभी आया? अभी तक लड्डू, ये लंच टाइम है। वत्सला जी के पोते का जन्मदिन है कल, इसलिए बस ये लास्ट राउंड हो गया। तेरी मीटिंग 6 महीनों में मेरी पहली किताब पब्लिश होगी, मेरे फेवरेट चिल्ड्रंस बुक पब्लिशर श्याम सर, उन्होंने ऑफर दिया। कांग्रेट्स। ले। बहुत टेस्टी है। टेस्ट में आपका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, कोई बड़ा शेफ भी नहीं, बस आप यहाँ बैंक कॉलोनी में फंस गई हैं। आई फील रियली बैड फॉर यू। शेफ का मतलब कस्टमर्स हमारे पास आए, ना कि हम कस्टमर्स से रिक्वेस्ट करें। ट्रू। भूख लगी है? हाँ। पापा और बहन को बुला कर ला, लंच तैयार है, मेरा काम हो गया, जा। ओके। हे डांस इंडिया। हाय भैया। क्या कर रही है तू? बॉटनी टेस्ट और भरतनाट्यम का एग्जाम दोनों कल है, दोनों की एक साथ तैयारी कर रही हूँ। आपकी मीटिंग का क्या हुआ? अगले 6 महीनों में हाँ। तुम्हारे भाई की पहली किताब पब्लिश होगी, बच्चों की किताब की दुनिया में हलचल मचने वाली है। द चिल्ड्रंस बुक इलस्ट्रेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मुझे ही मिलेगा। कांग्रेट्स। पापा कहाँ हैं? पिक्चर देख रहे हैं। बच्चे को बाहर कर बड़ा किया, इससे ज्यादा एक पिता क्या कर सकता है? पापा लंच। इमोशनल पापा। एसवीआर महान एक्टर। दिल तोड़ कर रख देते हैं। 100 बार देख के भी कैसे रो लेते हो पापा? इतनी बार रोने वाले तो ये महान एक्टर है। आजकल कहीं ऐसे एक्टर नजर आते हैं जिसे देखो एक ही डायलॉग, कौन है वो, कहाँ से आया है, काट डालो उसे। जी जी। अंग्रेजी चेहरे, किराए की आवाज, बेकार की चीखें। चलो एसवीआर। वैसे आजकल के बच्चों को तो सिखाएगा क्या, किताबें पढ़ता ही कौन है? सबके हाथों में आईफोन, आईपैड, वीडियो गेम्स या फिर टीवी या मूवी। मूवीज को कुछ मत कहो, मूवीज ने क्या किया है? मूवीज तो बिगाड़ रही हैं, बेकार के नाच गाने, वायलेंस। अच्छा, रामायण और महाभारत में भी मूवीज देखकर ही लड़ाई हुई थी? हाँ। वो अलग बात है पापा। ये भी अलग है, लड्डू दो। 7D हो या 3D, सेलफोन हो या आईपैड, ऐसे कितने भी आ जाएं, सिनेमा साहित्य कभी नहीं बदलने वाले। बस साहित्य कहा ना, ठीक है, पर सिनेमा। सिनेमा। हेलो, हर चीज में अच्छा या बुरा होता है। तुम्हारे आर्ट में बहुत से लोगों ने लकीरें बनाकर मॉडर्न आर्ट के नाम पर लाखों लाखों कमाने वाले फ्रॉड है। 5-10 साम्बर। अच्छा, आपको समझ में नहीं आया तो उसमें मतलब नहीं है। तुम्हें पसंद नहीं आई तो मूवी बेकार है। अरे बस 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 बस, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, झगड़ा मत करो। झगड़ा नहीं कर रहे हैं, इट्स अ डिस्कशन, इसकी बात में कोई मतलब तो होना चाहिए ना। तुम भी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाकर अपने आर्ट को कई पीढ़ियों तक जिंदा रख सकते हो, तुम्हें रोका किसने है? बना लूंगा। बना लूंगा कहने से नहीं होता, बनाकर दिखाओ। कॉन्सेप्ट चाहिए तो पूछ लेना, बता दूंगा। आप बताएंगे? ऐसे हंस क्यों रहे हो तुम लोग? इतने आइडियाज तो मैं दे ही सकता हूँ। हेलो, मेरी क्रिएटिविटी के बारे में तुम लोगों को नहीं पता, वक्त आने पर पता चल जाएगा मैं क्या चीज हूँ। हाँ,
सर, सर, हाँ, ये कौन आ गया? नमस्ते सर। आप यहाँ किससे मिलने आए हैं? Glad to meet you सर। हाँ, आप ही के पास आया था सर। मुझसे मिलने? आप कौन है? मेरा नाम दास है सर। यशुदास है? जी नहीं, केवल दास। हाँ। ये घर आपका है? दूसरों के घर में माली का काम करूं, ऐसी नौबत अभी नहीं आई है। आपको क्या चाहिए? घर चाहिए। यहाँ हम खुद रहते हैं, रेंट पर। रेंट के लिए नहीं, शूटिंग के लिए। हा? फिल्म की शूटिंग। शूटिंग? व्हाट? शूटिंग? फिल्म शूटिंग हमारे घर में? क्या? सच में पापा? हीरो कौन है? कोई किशोर कपूर है। किशोर कपूर? उनके पिताजी खुद प्रोड्यूसर है, बहुत पैसे खर्च किए हैं। समीरा या सकीरा नाम की लड़की उसे हीरोइन रखा है। समीरा राठौर। पापा, she is gorgeous। हमारे घर आएगी वो? हेलो, मूवी में हमारा घर हीरोइन का घर है। बस करो, हमसे पूछे बिना घर कैसे दे दिया? आप क्या 20 दिन के लिए घर में इलेक्शन रखूंगा? 20 दिन हमारे घर में? आई कांट बिलीव दिस। क्यों, क्या हो गया? वो सिर्फ अपना काम करेंगे। एक महीने पहले फ्रेंड के घर पे शूटिंग हुई थी, दो दिन, बस दो दिन में सारे घर का सत्यानाश कर दिया था उन्होंने, और यहाँ तो 20 दिन की बात है। नो नो पापा, नो, मना कर दीजिए। उन्होंने मेरी कंडीशंस मान ली है तो मैं क्यों मना करने जाऊं? कंडीशन? कैसी कंडीशन? मैंने कहा मुझे मूवी में कैरेक्टर देंगे तो घर फ्री में दे दूंगा। मान गए। माँ, तुमने वही सुना जो मैंने सुना? तूने क्या सुना? पापा एक्टिंग करने वाले हैं। पापा पागल हो गए आप और एक्टिंग, वो भी फिल्म में। इसमें गलत क्या? बचपन से मेरी इच्छा है। कभी बताया क्यों नहीं? बता देता तो क्या कर लेती, मुझे हीरो बनाकर मूवी बनाती। ऐसे कह रही हो जैसे मैंने बड़ा चांस मिस कर दिया हो। अब बता रहा हूँ ना। और आपका जॉब? एक महीने पहले ही वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली थी। तुम्हें से किसी को बताया नहीं था मैंने? तीस साल सरकारी नौकरी में गधों की तरह काम किया, खूब पैसे भी कमाए हैं, इसे पढ़ा रहा हूं, अच्छी सेविंग्स है, अच्छा घर बना लिया है, अब बस बहुत हो गया। इट्स माय लाइफ। एक परफॉर्मेंस काफी है, एक SVR, एक दिलीप, एक ब्रांडो, एक कमल, एक। देखोगे ना, तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो एक महीने से रोज सुबह ऑफिस जा रहा हूँ ये कहकर कहाँ जा रहे थे? स्टूडियो मोहतरमा, प्रोड्यूसर के पास चांस तो ढूंढना पड़ता है ना। अपनी एल्बम लेकर घूम रहा था मैं। हाँ? एल्बम? आपका एल्बम भी है? दिखाओ। पुलिस, भिखारी, गुंडे, पापा, सुपर, वाव, डॉन, मामा, ये देखो पापा ने कितना काम किया है। पापा, यू मेकिंग अ ह्यूज मिस्टेक पापा। इस उम्र में ये सब जरूरी है क्या? देखिए आप बहुत सेंसिटिव हैं। फिल्मों में वो दुनिया बहुत हॉरिबल है पापा, वो सब ऐसी बेकार की कहानियां सुनाकर फालतू के सपने दिखाते हैं। वाह, बिल्कुल अपने दादा की तरह बातें कर रहा है। मुझे उनकी तरह नहीं बनना था, इसलिए तेरे फाइन आर्ट्स की पसंद को देखकर बिना कुछ कहे तुझे एनकरेज किया। अगर तेरे दादा होते तो तुझे घसीट कर किसी इंजीनियरिंग, MBA या CA में डाल दिया होता उन्होंने। यार तू भी एक आर्टिस्ट है तो मैंने सोचा कि मुझ जैसे आर्टिस्ट को देखकर तू कुछ समझेगा। पापा, मेरा आर्ट बच्चों को खुशी देता है, उनकी इमेजिनेशन को बढ़ाता है। मेरे आर्ट में कोई छोटे कपड़े पहनकर फॉरेन में डांस नहीं करता, वो एक पवित्र प्रोफेशन है पापा। ओके, ये फिल्मों में दिखाने वाली जिंदगी फेक है, इमोशंस फेक है, इट्स अ डर्टी फीलिंग। चुप चाप बैठ, डोंट इंसल्ट माय पैशन। ये घर मेरा है, मैं जिसे चाहूं उसे परमिशन दूंगा। जरूरत पड़ी तो उस फिल्म में कपड़े उतार कर आइटम सॉन्ग करूंगा, मेरी मर्जी। आई हैव मेड अप माय माइंड। मेरी बात तो सुनिए। चुप बैठो तुम सब। एक्ट नहीं करना चाहिए, परमिशन नहीं देनी चाहिए। मेरा घर है, मेरी मर्जी, मैं एक्ट करूंगा।
हीरोइन हरिता को रोज रात को वो किए बिना नींद नहीं आती। हाँ? देखा देखा रिएक्शन देखा, यही तो चाहिए था, यही तो ओपनिंग पेज की हेडलाइन है। इसे क्लिक करके ओपन करें तो हीरोइन हरिता को रोज रात को ब्रश किए बिना नींद नहीं आती ऐसा लिखा है। क्या यार 90% लोग ऐसी न्यूज पढ़ते हैं, उनके रिव्यू रेटिंग देखकर ही तो लोग डिसाइड करते हैं टिकट्स बुक करना है या नहीं। हम भी एक वेबसाइट स्टार्ट करें क्या? हाँ करते हैं ना यार, ये आईटी जॉब करके ना मैं बोर हो चुका हूँ। पता है मैंने तो एक अच्छा सा नाम भी सोचा है। क्या सोचा? muttutti.com। ये भी कोई नाम है? अबे तू जानता क्या है मेरे बारे में? जब देखो तब मुझे ऐसे ही बोलता रहता है। मेरे घर में शूटिंग होने वाली है। क्या बोला तूने? हाँ घर में शूटिंग हो रही है। फिल्म है कि सीरियल है? शॉर्ट फिल्म होगी, इसका मुंह देखा बहुत उतरा हुआ है। हीरो कौन है? किशोर कपूर, पता नहीं कौन है। किशोर कपूर तो वही है ना जो पिछले 5 सालों से एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा है। हाँ यार वही थकेला हीरो है। हीरोइन कौन है? समीरा राठौड़। हाँ? समीरा राठौड़ क्या बोल रहा है यार? कितने दिन के लिए? 20 दिनों के लिए। बात क्या है? अरे कुछ नहीं यार, तुझे इसका पता है ना, ये अपनी आईटी जॉब छोड़ करके एक वेबसाइट शुरू करना चाहता है, सिनेमा गॉसिप्स रिव्यूज टोटल फिल्मी वेबसाइट, और नाम होगा muttutti.com। यार समीरा राठौड़ तेरे घर पे होगी तो एक्सक्लूसिव गॉसिप्स बाइट्स क्लिप्स पिक्स बीप्स। अरे सुन, ओवरसीज ही नहीं स्पेस में भी अपना वेबसाइट नंबर 1 होगा। यार रूम शेयर किया तो अपना शेयर बता दे। बताना बताना प्लीज। वैसे भी इन सभी स्टार्स में रखा क्या है? उनका ग्लैमर झूठा है, बातें झूठी है, एक्टिंग झूठी है, फिर भी तुम लोग खुश होते हो। वो हमारी तरह मामूली इंसान है यार। स्टार लोग मामूली इंसान नहीं होते। अगर हम पैसे देकर टिकट लेकर उन्हें देखने जाते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ तो बात है जो कोई नहीं जानता। सृष्टि का रहस्य है भाई, जब पता चलेगा बता दूंगा, तू अपना शेयर बताना तब तक। अरे यार सिर्फ 20 दिन की बात है, तू चाहे तो यहाँ रहे, हम तेरे घर पे रहेंगे, यहाँ तो आराम से अपनी ड्राइंग करना। आइडिया बुरा नहीं है यार। दोनों पागल यार, हम तो बच्चे हैं, हम तो फूल की तरह है, ला 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 ला, हम तो कल का भविष्य है। ठीक है ना? ठीक है। सॉरी सर, लाइटिंग में थोड़ा वक्त लग रहा, लेकिन आपका घर मस्त है। कुछ भी नहीं सर। सर हम लोग बाथरूम कौन सा यूज करें? कोई बात नहीं, आप ऊपर। अरे क्या कर रहा है? यही तो। ए, स्टार्ट हो रही है, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, इट्स एक्साइटिंग। ये क्या कर दिया? अरे रे रे, चाइना के लिए था, इसीलिए आसानी से टूट गया। ए, किसने तोड़ा इसे? ए, तेरी तो छोड़ दे। सॉरी, दूसरे बेडरूम का बाथरूम यूज करने को कह दिया। ये देखिए टूट गया ये। हाँ। वैसे भी ये क्या चीज है, बिना सिर पैर का मॉडर्न आर्ट। चलो पीछा छूटा। ए, तुम अब तक यहीं पर खड़े हो? अरे फ्रेश होकर नहा कर आ जाओ, शूटिंग शुरू हो रही है। आ, सुनो भाई, मैं आ रहा हूं। मतलब भैया भैया भैया, मैं कॉलेज बंद कर रही हूं शूटिंग देखने के लिए, आप भी जल्दी से नहा लो। ए, सुन क्या कर रही है? हेलो, वो हमारा कुकर है, आपका नहीं, कितनी बार बताना पड़ेगा। ए, कौन हो तुम? अरे सर एक मिनट, क्या कर रहे हैं सर? ये इन्हीं का रूम है, आपको वॉशरूम जाना है ना? प्लीज सॉरी सर, आपका रूम यूज कर रहे हैं। You need it. On the way, glad to meet you. कॉफी पी रहे हैं? अरे हम देने वाले थे ना। कोई बात नहीं सर। मैडम 20 दिन तक लंच हमारी तरफ से, आप जो कहेंगे वो मिलेगा। It's okay, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। सर भी मान गए। देखिए उस तरफ देखिए, राइटर से डिस्कशन कर रहे हैं अपने कैरेक्टर के बारे में। बहुत बढ़िया जा रहे हैं सर, ग्लैड टू मीट यू। जरा जाकर देख तू। हाँ कह दिया मैंने, सुपर कैरेक्टर है, बाद में बताऊंगा। अबे क्या कर रहा है? सॉरी उठा, गलती से गिर गया। तेरी तो एक जगह खड़ा नहीं होने देगा मुझे। सॉरी बेटा,
कुछ हुआ तो नहीं ना? अरे तुझे नहीं पता घर के ओनर को कैसे मनाया मैंने? बेटा कुछ नुकसान हुआ तो खर्चा मैं दे दूंगा। कोई जरूरत नहीं है, बस दिमाग यूज कीजिए। कर लेंगे बेटा, थोड़ा बहुत है, प्रोड्यूसर को पता है। अरे तुझे इतनी जल्दी क्या थी? वो हीरोइन आ रही है ना, इसलिए। तो क्या हुआ, वो महारानी विक्टोरिया है क्या? अरे रे, लगता है आ गई। ए, उसे अंदर रखकर जल्दी से एसी ऑन कर। बेटा एक मिनट, माफ करना। बेटा सुन, मैडम का ख्याल रखना। ओके सर। हे भगवान, हीरोइन आ गई सर। 40 मिनट में शूटिंग स्टार्ट। सुपर सुपर सर, एंजॉय सर, एंजॉय। ए शॉट रेडी कर। अरे चलवा निकल जा रही है। सारी शेड्यूलिंग यही कर रहे हैं। ये है सर्वेश जी, यहाँ के ओनर। हाय समीरा। देखा आपने हीरोइन कितनी सुंदर है। घर में सनग्लासेस क्यों पहने? स्टार बन गए। निकालिए। मैं जरा वहां जा रहा हूँ, शॉट देखना है ना। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाय समीरा। गुड टाइम। हाय, हाउ आर यू? हे सर, हाउ आर यू? हाय। वाह, लाइट की क्या। सो सर, दिस इज योर पोर्शन। मेरा डायलॉग कहां है? समी, लेट मी नो व्हाट यू आर इन। सर, आई एम जस्ट गोना टेक अ मिनट। ओके, व्हेन शी इज रेडी शी विल लेट मी नो। 2 मिनट्स सर। Can you not take picture, please? I'm in costume. No pictures. Sorry. I'll give it to you later. बस एक picture. नहीं, रोको ना please. सुनिए, photo मत लीजिए. Costume. लाइए, इधर दीजिए. Phone लीजिए मुझे. Delete कीजिए. Hey, क्या कर रहे हैं? Madam नाराज हो रही हैं. हटो. Everyone's gone crazy. Glad to meet you. Sir, sir. Disturb हो रहा है sir. Please. पैर मत हिलाइए. Sorry. अगर फ्रेम थोड़ा लेफ्ट में हो जाए तो ग्रीनरी ज्यादा दिखेगी शायद ना। क्या बोल सर, डायरेक्टर का मूड ऑफ हो जाएगा सर। प्लीज सर, हाथ जोड़ता हूँ, समझिए ना सर। प्लीज। ओके, रेडी सर। सुपर, सब रेडी हैं? क्लैप इन। सीन 2 बाय 1 टेक 1। राइट। कट। क्या है ये? हैं? एक दीवार पर इतनी बड़ी चिपकली है फ्रेम में, देखा नहीं तुमने? कैसे कैमरामैन हो तुम? देखो कितनी बड़ी चिपकली है। अरे सर 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 सर, तुम लोग सर क्या कर रहे हैं? दिखता ही नहीं इसे लगता है। प्लीज इधर आइए ना, समझिए ना सर क्या कर रहे हैं। सॉरी गाइस, शूटिंग चलने दीजिए। एक्सट्रीमली सॉरी सर। सर कैमरामैन सब संभाल लेगा, आप उधर मत जाइए सर। प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। जल्दबाजी कह दिया, हमारे घर में पहले कभी चिपकली दिखी नहीं ना, इसलिए। वो भी शूटिंग देखने आई होगी, उसे भी एक्टिंग का क्रेज होगा। ग्लैड टू मीट यू। साइलेंस साइलेंस। बैकअप होने दो, फिर बताता हूँ। साइलेंस। ओके रेडी सर। क्लैप इन। रोल कैमरा। सीन 2 बाय 1 टेक 1 एंड एक्शन। सॉरी सर, सॉरी। समी फोकस, समी प्लीज। Sammy, focus. Sorry. Yes, sir. And action. आपने ही कहा था ना, 100 नार की 100 कुम्हार की। कट। Oh my. इसका क्या मतलब है? सुरेश। सर। सुरेश, डायलॉग बताओ। 100 सुनार की, 100 सुनार की, 1 लोहार की, कुम्हार की नहीं, 1 लोहार की। Sorry. मैं भी यही सोच रहा था, ये कौन सी भाषा, एक सुनार क्या होता है। छोड़ दीजिए ना सर, उन्हें हिंदी नहीं आती, डबिंग में देख लेंगे ना सर। प्लीज सर। ग्लैड टू मीट यू। 100 सुनार की, 1 कुम्हार की, ये है आपके सुपरस्टार हीरोइन की हिंदी। ये फॉरेन रिटर्न गलतियां करती है और हिंदी डबिंग आर्टिस्ट उसे ठीक करते हैं। हिंदी बोलने वाली को ही हीरोइन ले ले। हाँ भाई, तू चुप कर। यहाँ विलेन और बाप के कैरेक्टर के लिए भी लाइन लगानी पड़ती है। देखो उनके पीछे हाथ बांध कर खड़े हैं ना लोग, रोल के लिए भीख मांग रहे हैं। रोल के लिए भीख मांग रहे हैं? पापा अब तक ब्रेक नहीं मिला है, इतनी जल्दी कंप्लेन। साइलेंस। ठीक है, रोल कैमरा एंड एक्शन। आप ही ने कहा था ना पापा,
सौ सोनार की एक लोहार की, मेरा मंगेतर है वो, और किशोर ने यही की है, इसलिए मुझे किशोर पसंद है। मैं उसकी सिवा किसी से शादी नहीं करूंगी। I love him, पापा। चुप कर। Perfect. Cut. चुप कर। आप मुझसे सीखना चाहिए पापा। Superb समी। Fantastic. सुनार की सौ सोनार की। भगवान। ऐसे हिंदी बोलते हैं? ऐसे ही चलता रहा तो शूटिंग खत्म होने तक। असास क्या सब मच जाएगा? चुप कर। चुप कर। चुप कर। मास्टर शॉट ना। Same thing. आपका कैरेक्टर दूसरे एक्टर करे तो गलत है, पर फॉरेन रिटर्न लड़कियां यहाँ चांस मारे तो गलत नहीं है। अरे ये कैसी बातें कर रहा है तू? अरे बस 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 बस, झगड़ा मत कीजिए। लड़की है बहुत सुंदर, आंखें होठ बहुत सुंदर है, दिल करता है बस देखते ही रहे। यस, शी इज अ ब्यूटी, मान लो ना भैया। यस, इसीलिए तो लोग मरते हैं उस पे। दैट्स राइट। वैसे सुंदर लड़कियों को देखकर लगता है क्या वो भी नॉर्मल होती हैं? ब्रश करना या बाथरूम जाना ये सब? पता नहीं मेरा सीन कब आएगा। जो कहा है वो कर। मुझे पसंद आया तो ही मेरा मजा नहीं है, ये एक्टर नहीं चलेगा। एंड कट। शॉट सुपर्ब है, परफॉर्मेंस नहीं। मुझे पसंद आया तो मेरा दामाद, नहीं तो मरेगा वो। ऐसे होता है? उसी का ठीक था। ए, क्या कहा तुमने? वहाँ देखिए दास मस्का मार रहे हैं। सर क्या लाइन लिखी है आपने, फिल्म में तो आग लग जाएगी, कहाँ से लाई इतनी फायर? पेट्रोल इतना डाला है दास जी, फायर तो निकलेगी ना। बस कीजिए सर, हमारे सूर्य जी जैसे डायरेक्टर हो ना, अंदर के राक्षस को निचोड़ के बाहर निकाल देते। आपका क्या बाहर निकालेंगे पापा? सर मेरे सिंह का क्या हुआ सर? आप ही ओनर है ना, दास ने मुझे बताया था। आप बस देखते रहिए, आपके लिए एक जोरदार कैरेक्टर लिखूंगा, बस एक हफ्ता रुक जाइए, फिर इंडस्ट्री आपको ऐसे घूर के देखेगी। तो फिर ठीक है, एक काम कीजिए, मेरे पास भी कुछ लाजवाब आइडिया है। चलिए तो सर शेयर करते हैं हम दोनों मिलकर कुछ। यार यार यार, समीरा डार्लिंग के साथ एक फोटो खींचनी है। ए चुप, चलो निकलो यहाँ से। ए सिर्फ एक फोटो के लिए तो बोल रहे हैं यार, पता नहीं मौका फिर कब मिलेगा। हाँ यार, ये दोनों भी छुट्टी लेकर आए हैं, एक फोटो दिलवा देना यार प्लीज। मुझे कोई और काम नहीं है क्या? तू और तेरी वेबसाइट। अरे वेबसाइट के लिए नहीं यार, हमारी तो व्हाट्सएप ग्रुप में मेरी फॉलोइंग नहीं है, तो वेबसाइट में कहाँ से होगी? जॉब फ्रस्ट्रेशन है यार, प्लीज करना। प्लीज क्या है? फ्रेंड्स है मैडम, ओनर के बेटे के फ्रेंड्स है। फोटो एक मिनट। सर आ रही है क्या? रुको ना भाई, हो जाएगा ना। आइए। क्या कर रहे हो? रुको। हेलो। हाय। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। इट्स कूल, डोंट वरी अबाउट इट। दीज आर माय फ्रेंड्स, दे वांट टू टेक सम पिक्चर्स विद यू। एक सोलोपिक मैन प्लीज। एक्सक्यूज मी, सॉरी सॉरी, आदत से मजबूर हो। आजा। नहीं अभी मैडम के साथ हीरो लगेगा, आना। Thank you so much. You're most welcome. Sorry for disturbing. No, it's okay. अब यहीं रहोगे क्या? Bye. 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 चलो. Thank you. Thank you very much. Bye. 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 Love you. तेरी girlfriend है क्या? Excuse me. Can I talk to you for a minute? With me ना? Vijay. Joey. चल. Please sit. Tea, coffee, anything? No, I'm good. Sure? Yeah. Okay. So, कल आपने कहा था मेरा हिंदी, I heard. Oh, I mean, that's, I'm sorry. No. I didn't no, really. No. You have a point. You were right. Actually, I'm trying to learn. मैं हिंदी सीखने की थोड़ी थोड़ी ट्राई कर रही हूँ। I really didn't mean to say that. वैसे हिंदी बहुत आसान है, आप थोड़ा ट्राई करेंगे तो आ जाएगी। I'm really sorry, extremely sorry. I didn't mean to hurt you. वो बात, listen, तुम मुझे हिंदी डायलॉग्स बोलना सिखा दो। What? मैं आपकी हाँ आपकी आप ही No, that's impossible actually. क्यों? आपको नहीं आती?
आज की जनरेशन के लिए हिंदी तो सेकंड लैंग्वेज है ना? मेरे लिए नहीं, मुझे आती है। तो सिखाइए ना, कम से कम आपके घर में रहकर हिंदी सीख जाएगी तो मजाक तो नहीं बनेगा। आपकी जॉब भी नहीं है, ऐसा आपके डैड ने बताई। बताया? अभी अभी नहीं है, लेकिन मिल जाएगी। मैं बच्चों की किताबों के लिए इलस्ट्रेशन, चिल्ड्रंस हिंदी बुक्स के लिए पिक्चर्स ड्रॉ करते हो, राइट? So your Hindi is really good, huh? वो फिल्मों के हिंदी की तरह नहीं है। Hey, I can arrange for a salary. तनखा? कह रही है पैसे दिलवाएगी। मैं समझ गया। Basically, I just want you to help me. But why me? Because आप आर्टिस्ट हैं और आपको मेरी सिचुएशन समझ में आएगा। आएगी। बस ऐसे ही सिखा दीजिए ना। Please, 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 please. Okay. ओके, ठीक है, मैं सिखा दूंगा। रियली? रियली। तो कल से, फ्रॉम टुमारो? या, फ्रॉम टुमारो। थैंक यू सो मच। सी यू। ओके, बाय। बाय। ये आ गया, आ गया। इतना टाइम क्यों लगा? अबे टाइम तो लगता ही है ना। किसके लिए? सारी बातें करने के लिए। कितनी गंदी सोच है तेरी, ऐसे गंदे दिमाग के साथ वेबसाइट बनाएगा? देख मैं बोल रहा हूँ, मेरी वेबसाइट हिट रहेगी। समीरा ने क्या कहा? वो चाहती है मैं उसे हिंदी सिखाऊं यार, डायलॉग्स और उसके डायलॉग्स। हिंदी डायलॉग्स सिखाएंगे? जो सीन उसे करने है उसके डायलॉग्स की कोचिंग करनी है बस। तो तूने क्या कहा? क्या कहूंगा, हाँ कह दिया। रोज समीरा के साथ सुबह से शाम तक। You look great. Really? Yeah, stunning, actually. Thank you. Here you go. Coffee? Yeah, maa ne bheji. Thank you. Main bahar wait kar. No. Stay. Ruko cha. Ruko kaafi hai. Ruko kaafi hai. Kaafi nahi hai. Ruko is enough. Ruko. Yeah. शूट पर हूँ, अभी बात नहीं कर सकती। I'm at work, there are people around me. What do you mean by that? I told you not to call me again and again. I'm not lying. Can I please work in peace? Okay, bye. Sorry, I'm ready. Any problems? No, all good. Shall we start? Yeah, sure. बेटी मतलब बिन? बेटी नहीं, बेटी। बेटी। बेटी मतलब बिना सोचा? सोचे, सोचे। Okay, thank you. Hey, hi. How are you? How is everything? आदि शक्ति पैदा करने वाली कुश। कुश नहीं। अगले सीन में आपको ये करना है कि by the way, समीरा कहाँ है? She's here. I just come. Okay. एक मिनट ना। ठीक है। देख क्या रहो, दरवाजा खोलो। पापा, I love him. Hey, baby doll. Hey, hero. Hey, you love him? मुझे ही ना। ओह, rehearsal कर रही है। मतलब falling in love, हाँ? हाँ. Scenes, dialogues. हाँ तो मेरे साथ कर लो ना, सीन तुम सिखाओगी, डायलॉग मैं सिखा दूंगा। Shut up. अरे why not? By the way, this is Vijay. Oh, he's my dialogue coach. Hey dude. No, it's okay. Better. He's the house owner's son. Oh really? मतलब तुम्हारी हिंदी काफी अच्छी है ना? क्या करूँ? बचपन में माँ बाप ने गलती से हिंदी सिखा दी थी तो आ गई। Naughty boy, what timing, huh? It's okay, huh? You know, I'll go ahead and get ready. Huh? See you. Go, Hindi. See you. I'll Bye. See you. Bye. Bye. माँ बेटी के बीच झगड़ा होगा ना तो सर आप सर हीरोइन के बड़े वाले पापा। पावरफुल कैरेक्टर लिखा है सर। पहले गुंडा बनकर
उसके बाद नक्सलाइट बनकर और बाद में हिमालय जाकर योगी बनकर आप वापस लौटते हैं और एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी खड़ी करते हैं। करोड़ों कमाने वाला महान कैरेक्टर लिखा मैंने आपके लिए। सर कैरेक्टर सुपर्ब है सर, अगर आप डायलॉग में कमाल दिखाएंगे तो मैं आप बस देखते जाइए, तारीफों की धड़ाधड़ 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 बारिश होगी। साइलेंस। सर सर शॉट रेडी है। ए, कुत्ते के लिए भौंकना जितना नेचुरल है मेरा प्यार भी उतना ही नेचुरल है। मुझे टॉय ब्रीड समझकर धमकाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा, बांधोगे तो काट दूंगा और मुझे घूरोगे तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। तुम चुप रहो। पापा आई लव हिम। मानसी तुझ जैसी बेटी का मेरे घर में पैदा होना बदकिस्मती है। एक बेटी का घर में पैदा होना बदकिस्मती नहीं पापा, आदि शक्ति की दी हुई खुशकिस्मती है। बेटी को एक बोझ समझने वाले आप जैसे कि घर पैदा होना ही एक पाप है। कट, परफेक्ट। वाओ, दैट्स कूल यार। वाओ समीरा, सुपर, अच्छा लगा। वेल डन। क्या सिखाया है यार तेरा जादू तो चल गया। सो ब्यूटीफुल टुडे। हेलो मैडम, वेल डन, सुपर सुपर। समीरा समीरा, व्हाट ब्रिलियंट हिंदी समीरा। जी के बेटे ने कोच किया है। Is it? Yeah, I asked him to coach and he agreed. That's brilliant. तो तुम इसी से कंटिन्यू कर लो। हाँ, वैसे ही उस हीरो को भी थोड़ी हिंदी सिखा दो। संबंध बंधन कह रहा है, बिना किसी मतलब की एक्टिंग, एक्सप्रेशनलेस डायलॉग डिलीवरी। सुरेश, ये सब रेडी करो। सर सर कुछ पीने के लिए मंगाऊं? सर सर मेरी बात सुनिए, बारिश होगी सारा गांव डूब गया। मैडम आपके रूट में ट्रैफिक जाम है, वेरी बैड। यू स्टे हियर ओनली टिल टुमारो, मॉर्निंग शूटिंग डू रेगुलर। इतना बड़ा जाम? अरे मैडम ब्रेड जाम, ऑल रोड्स आर वाटर, रिवर फ्लो फ्लो फ्लो, ऑल रास्ते आर फुल। रुक जाओ ना बेटी। हाँ बेटी, बाहर बहुत बारिश हो रही है, BMW बुड़बुड़ करके डूब जाएगी। और फिर कल हम दोनों का सीन भी तो है, एक बार रिहर्सल कर सकते हैं। तो हमारे सीन में कपड़े चेंज करके मेकअप भी उतार दो, मैं खाना तैयार करती हूँ। अरे खा लेगी ना। ठीक है बेटी, तुम जाकर। चलेगा ना मैडम। जाना। दिस लुक वॉज इंस्पायर्ड बाई ब्रांडो, मसल्स कट्स एवरीथिंग आई फॉलोड ब्रांडो ब्लाइंडली। यू लाइक इट? अ स्ट्रीट कार नियम डिजाइन, हैव यू सीन द फिल्म? ओह, योर फादर और ग्रैंडफादर मस्ट हैव सीन इट। फ्रिज में एक भी सब्जी नहीं है, सूखी हरी मिर्च और दो टमाटर के अलावा। मैं लेकर आता हूँ। सुनो, कैबेज कॉलीफ्लावर के अलावा कुछ भी लेकर आना, हो सके तो चिकन ले आना, उसे आज हम अपनी स्टाइल का खाना खिलाते हैं। कम से कम हीरोइन घर पर है तब तक अच्छा खाना तो मिलेगा। जा जा। ओके ओके लेकर आता हूँ। बारिश आ रही है, रेनकोट ले जाओ। ये भाई है ना, इसलिए देखो ये है एग्रेशन। ये भाई है ना इसलिए ये है इमोशन। ये भाई है ना इसलिए ये गुस्सा है। यू गॉट माई पॉइंट? ऐसे कई वेरिएशन दे सकता हूं। कभी कभी अपनी रेंज देखता हूं तो मुझे खुद डर लगने लगता है, आश्चर्य होता है। आई एम ऑलवेज सरप्राइज्ड, बट टैलेंट इज गॉड्स गिफ्ट एंड आई हैव इट, वो भी किलो किलो में। नेचर। ओके मां, मैं आता हूं। वेयर आर यू गोइंग? सुपरमार्केट जा रहा हूं। मैं भी चलूंगी। व्हाट? मैं भी चलूंगी। नो नो, अगर किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ बेटी, रिस्क, हमारा रिहर्सल भी तो है। आज मैं विंडशील्ड लाती हूं। Coming, what are you doing? Oh, okay, okay. बारिश में बटरस्कॉच। Okay. Hey, Chicky, look. Huh? I'll pay for it. Okay. Really? मुझे नहीं लगा था तुम्हारी आदतें इतनी सिंपल होंगी। अगर मेरे साथ और टाइम स्पेंड करोगे तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें पता चलेंगी। ये भी नहीं सोचा था इतनी अच्छी हिंदी बोलोगी, वो भी इतने कम टाइम में। अरे इसमें मीरा कोई कमाल नहीं है, सारा कमाल तो टीचर जी का है। जय मास्टर जी। हाँ
मैम आप समीरा है ना, हीरोइन समीरा। कम कम कम, लेट्स गो लेट्स गो, कम ऑन जल्दी, चलो चलो चलो। वाह, यू लुक ग्रेट। थैंक यू। कम कम, ला ला कहना होता है। बिल्ली मिल्ली ये सब क्या होता है? कला बिल्ली गिल्ली इल्ली, किसी को बताए तो गुस्सा आ जाता है। अरे पापा बस कीजिए, उसे चैन से खाने दीजिए। हाँ। खाओ बेटी, मैं वेजिटेरियन था, इसके हाथों का चिकन खाकर नॉन वेजिटेरियन बन गया। खाना बहुत अच्छा बना। क्या फायदा, हाथ देखो कैसे लकड़ी की तरह। हमारे जमाने के लोग राउंड राउंड लड्डू जैसे होते थे। ये लो खाओ। हाँ खाओ। सावित्री मौनीश्री जयाप्रदा हमारी अनुसुईया देखो कैसी है। Shut up, Sarvesh. No, you have to try this. No. आंटी डिशेस क्लीन कर दो। No, 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 no. सुबह मेड आएगी। You relax. Sure. It's okay, बेटी. Thank you, आंटी. You're an amazing family. You are a sweetheart too. Hey. अगर आइसक्रीम खाकर हो गया हो तो टेरेस पर चलें। चाय निकल गया होगा। I love to see that. Okay. Yes. हम सब ऊपर चल रहे हैं। Moonlight में हम दोनों रिहर्स करेंगे। रिहर्सल मैं कर लूंगी आपके साथ। इन दोनों को जाने दीजिए। सीन उस बच्ची के साथ है। सर्वेश। Yes. तुम दोनों जाओ बेटा। चलो चलो चलो। Hey, इधर लाओ। Have fun. They are young people, yeah. So let them be. रिहर्सल्स मेरे साथ कर सकते हो ना? सीन ही बदल गया। Old people romantic scene. So lovely. So beautiful. अच्छा एक बात पूछूं? क्या तुम अकेले ही सब कुछ करती हो? तुम्हारे पेरेंट्स मतलब मॉम डैड नहीं आते? सॉरी I didn't mean to intrude. No. That's okay. माँ पापा को सिनेमा एक्टिंग पसंद नहीं है। You're amazing. Why? नहीं वैसे नहीं, मैं कहना चाहता था कि तुम अकेली इस फील्ड में, it's dirty and tough, isn't it? मतलब सिनेमा डर्टी है और बाकी की सारी दुनिया क्लीन है? नहीं, आई डिडंट मीन इट दैट वे। व्हाट काइंड ऑफ अ गर्ल आई एम इन योर ओपिनियन? व्हाट? नो, जनरली फिल्म हीरोइंस के बारे में लोगों के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं। व्हाट डू यू थिंक? क्या मैंने भी करियर के लिए सक्सेस के लिए कॉम्प्रोमाइज किया होगा? कैसे कॉम्प्रोमाइज की बात कर रही हो? यू नो, नो आई डोंट नो, बताओ। घूमना फिरना। तुम जानना चाहती हो मैं क्या सोचता हूँ? ठीक है, एक बात तो कह सकता हूँ कि तुम कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगी। Really? How can you say that? बस ऐसा लगता है। खुद मर सकती हो लेकिन दिल को नहीं मार सकती, है ना? तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? क्यों? सबकी गर्लफ्रेंड होना जरूरी है क्या? सबका तो मुझे नहीं पता, बट तुम्हारी क्यों नहीं है? मैं किसी को आसानी से पसंद नहीं आता। Really? Yeah? Why so? I don't know. I think I'm tough. What? What's so funny? You're so cute. ये बहुत सी लड़कियों ने कहा है, पर ऐसा कहने के बाद किसी बिजनेसमैन,
गुंडे मवाली पॉलिटिशियन के बेटे से शादी कर लेती हूँ। हंसो मत, मैं सच कह रहा हूँ, रियली। What kind of a girl do you want? What? बताओ, 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 बताओ। जो सिंपल हो, बिना किसी दिखावे वाली, सच्चा प्यार करने वाली हो। सच्चा प्यार? मतलब? सामने वाले को जज किए बिना उसे समझने वाली लड़की। अनकंडीशनल लव? नो, फुल्ली कंडीशनल। बिना कंडीशंस के प्यार नहीं होता। फर्स्ट कंडीशन, मैं प्यार करूंगा तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। मैं तैयार हूं। What? Kidding. Go on. Okay. जरा अपने आप को देखो। You are beautiful and stunning, right? I mean, अगर तुम्हारी हिंदी ऑडियंस कह रहे हैं तो सच ही होगा। लेकिन all this, ये सारी खूबसूरती gradually चली जाएगी। Excuse me? तुम्हारी चमड़ी सिकुड़ जाएगी, दांत टूट जाएंगे, पैर मुड़ जाएंगे, बाल झड़ जाएंगे। Thank you for the compliment. मैं कुछ और ही कहना चाहता हूँ। Let me make it clear. इस खूबसूरती के पीछे, इस चेहरे के पीछे कोई और ही है, एक सच्चाई है, एक ऑरा, एक पर्सनालिटी, राइट? वो तुम्हारा असली हिस्सा है, असली समीरा। मुझे वो असली वाली समीरा चाहिए। ओह, तो मेरे अंदर की असली लड़की चाहिए तुम्हें, राइट? नो, तुम्हारे अंदर की नहीं, मैं जनरली लड़कियों की बात कर रहा हूँ। व्हाई? हेलो, मुझ में भी सच्चाई है यार, दिखाई नहीं दी? लुक डीप। नो, मेरा वो मतलब नहीं था। दैट्स नॉट व्हाट आई मेंट। यू नो, मेरे दादू ने एक बार कहा था, जब मेरी दादी की मौत हुई थी तब वो उनके साथ ही थे। मेरी दादी उनकी जान थी। उन्होंने कहा था, मरने से पहले दादी की आंखों में जब उन्होंने दर्द देखा तो उनका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। That's love. Isn't it? Love at the age of 95. That's true romance for me, yaar. और उसके बाद दादी के मरते ही एक हफ्ते में दादू भी गुजर गए। ऐसी बातें करने वाली गर्लफ्रेंड्स कहां मिलेंगी? Hey baby, I love you, yaar. I missed you, baby. I'll die for you, yaar. You're my queen. तुम्हारे लिए तो मैं इस पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। ऐसी बातें करनी पड़ेंगी। वो मुझसे नहीं होगा। और इसीलिए, no girlfriends. Hey, what happened? Is everything okay? Everything all? Yeah, I'm fine. I'm sorry, I just got carried away. Nahi. कहाँ?
नीचे बेडरूम तक। या श्योर, लेट्स गो। थैंक यू। So, I had a wonderful time. Same here. Thank you. Thank you. Good night. Good night. बेटी, तुम्हारे बाप ने अपनी आंखों से दुनिया देखी है, उसमें उसे ज्यादा दिखाई देती है, मैं दिल देखता हूँ। तुम चुप रहो। ओके 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 हट कट। समीरा, यू आर रेडी विद द डायलॉग्स? यस सर। ऑल सेट सर? यस यस यस। ओके, ऑल सेट। ऑल द बेस्ट सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पापा, ऑल द बेस्ट। लिपस्टिक लगाइए। हे, टचअप, टचअप। सर आया सर। इधर लो। आई एम श्योर ही विल रॉक। एक्टर्स रेडी? यस सर। लेट्स गो फॉर अ टेक। बेस्ट ऑफ लक अंकल। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट, गुड लक। हे, पेपर पेपर पेपर। All ready? Clap in. Roll camera. Scene 3, by 1, take 1. Action. देखो बेटी, तुम्हारे पापा अपनी आंखों से दुनिया देखते हैं, इसलिए उन्हें सिर्फ जायदाद नजर आती है। मैं मन से देखता हूँ, इसलिए मुझे मन नजर आते हैं, इंसान नजर आते हैं। मैं व्यवस्था की इज्जत नहीं करता, व्यक्ति की इज्जत करता हूँ। शादी की नहीं, प्यार की इज्जत करता हूँ। इसलिए जो किशोर तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे सकता है, उसके लिए अपने खून का खून, अपने भाई का भी सामना करूंगा। सामना करूंगा। जाओ बेटी, हिम्मत से जाओ। बड़े पापा। पर भैया, भाई है इसलिए आज तक तुझे नीचा नहीं दिखाया, गलतियां करने पर भी तुझे माफ किया। इसलिए अगर इस भाई को कम समझाना तो मां कसम ABCD सिखाना शुरू करने से सब कुछ सिखाऊंगा। माइंड इट। कट। सर, क्या जबरदस्त डायलॉग बोला है सर। कांग्रेचुलेशंस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्या बात है, आप तो स्टार निकले। क्या बात है, सच में ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा किया। डायलॉग थोड़ा ओवर था, इसलिए मैंने अंडर प्ले किया। कैसा लगा? ये अंडर प्ले था तो ओवर प्ले क्या होता है? जिंदगी में पहली बार भारी डायलॉग बोला मैं, पहली टेक में ओके हो गया। एक बार तो तारीफ कर दे बेटा। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया पापा, कांग्रेट्स। थैंक यू बेटा। लेकिन आपने उनमें जान डाल दी, अब इंडस्ट्री आपको इस तरह देखेगी। हमने सही कहा, बड़े बड़े एक्टर्स का बोरिया बिस्तर बन गया। जैसा आप चाहते थे वैसा ही हमने किया है। आपसे एक्टिंग करवा ली और आज शूटिंग का लास्ट डे है। लास्ट डे? ये सरप्राइज है सर, इस बारे में मैंने और सुरेश ने प्लानिंग कर रखी थी और आज शाम को पार्टी है। आज लास्ट डे है। थैंक यू आंटी। यू वेलकम, टेक दिस। इसकी क्या जरूरत थी आंटी? कुछ भी नहीं है, बस याद के लिए। कभी हैदराबाद आओगी तो हमारे घर जरूर आना। थैंक यू। और नहीं, नहीं, नहीं। हम बहुत मॉडर्न है बेटी, हमारा कॉम्बिनेशन गारंटी हिट है। हमारी सावित्री प्लस स्मिता पाटिल प्लस मेरिल स्ट्रिप, जितनी बड़ी एक्ट्रेस बनो, ये मेरा आशीर्वाद है। बाय। यार मुझे हक मिलेगा क्या? काट मेरे, कहीं हक की जगह चपेट ना पड़ जाए। देखते हैं। बाय गाइस। बाय बाय बाय। अपना ख्याल रखना बेटी। बाय 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 अंकल।
क्या एक्टिंग की आपने, क्या बात है, मुझे तो लगा ही नहीं आप नए एक्टर हो। हे ओनर का बेटा, उसके बाद मेरा फर्स्ट लुक इसको होगा। हे बेटा तुम यहाँ कैसे, ग्लैड टू मीट यू। यहीं पास में एक छोटा सा वर्कशॉप ले रहा था। Hey, nice to meet you, man. What a surprise. तो दास, समीरा को हिंदी लिरिक्स सिखाने के लिए मास्टर जी आ गए हैं। Hi. Hi. प्रोफेशनल विजिट पे आया हूँ। पास ही में एक प्रोजेक्ट था तो होटल वालों ने बताया हिंदी फिल्म की शूटिंग चल रही है। आकर देखा तो दिस इज अ बिग सरप्राइज फॉर मी। ये यहाँ पर कैसे आ गया? हे व्हाट्स अप डूड, सरप्राइज हाँ? सडनली यहाँ पर कैसे तुम? ये अपने किसी काम से आए थे, हम यहाँ पर हैं इसलिए हमसे मिलने आ गए। दस दिन को जूस वूस पिलवाया? बेटा कॉफी या टी? नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ तो पीना पड़ेगा। शॉट रेडी है ना? व्हाई डोंट यू रिलैक्स, वी विल कंप्लीट द शॉट एंड जॉइन यू। या या श्योर श्योर, राइट कम आई विल सी यू इन अ मिनट। ब्रॉड में क्या होता है कि हे हे अरे क्या हुआ? नो रेडी मास्टर, आप स्टार्ट कीजिए। कम ऑन स्टार्ट, रेडी? तो हैंड एक्सप्रेशन को ऊपर से लिफ्ट। ये यहाँ तक कैसे आ गया? हाँ इसे भी पटा लिया क्या तुमने? हे जस्ट किडिंग यार। मास्टर रेडी? मास्टर हाय, दिस इज अ रियल सरप्राइज। कहाँ रुके हो? मनु वैली में। ओके ओके, कितने दिनों के लिए? एग्जैक्टली तो पता नहीं, शायद कल ही निकल जाऊँ। ओके क्या तुम आज शाम फ्री हो? हाँ दिस इवनिंग आर यू फ्री? जस्ट फॉर अ कॉफी। आंटी का दिया हुआ गिफ्ट बहुत सुंदर है, एंड आई एक्चुअली वेयर इट अ लॉट। मेरा ऐसे आना, आई होप तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नो नॉट एट ऑल, आई वाज शॉक्ड टू सी हियर, दैट्स ऑल। ये वर्कशॉप ट्रिप Suddenly, how come? Actually, कोई वर्कशॉप नहीं है। तुमसे ही मिलने आया हूँ। You're kidding? No, no. सचमुच तुमसे ही मिलने आया हूँ। पर क्यों? विजय है? What is it? I think I'm in love with you. पहले कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं किया। सब कुछ अजीब सा लग रहा है समीरा। I wanted to see you, be with you. उस दिन हम बाइक पे बारिश में, That was great. टेरेस पे हमने जो वक्त बिताया था, it was magical. मेरी जिंदगी में पहली बार, for the first time ever, ऐसा हुआ है. Honestly, दिल खोल कर बात करना चाहता था. विजय तुम बहुत स्वीट हो, एंड इट वॉज वंडरफुल, इट वॉज सो अमेजिंग, उस रात को मैं कभी नहीं भूल सकती। लेकिन तुम्हारे बारे में मैंने वैसा कभी नहीं सोचा। I'm really sorry. Has nothing to do with you. All I mean is, मुझे तुम्हारे लिए वैसी feelings
कभी भी नहीं आई। You are cute and wonderful. विजय। यही ना? Listen, please try and understand. समीरा, मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया हूँ। बस अपने दिल की बात कहनी थी, वो कह दी। Now I know. It's the glamour. What? Excuse me? No. तुम ऐसे नहीं हो, and I know that. तुम्हें लगता है मैंने तुम्हारे ग्लैमर से प्यार किया? No, no, no. मैं ऐसा नहीं कह रही कि तुम भी वैसे हो। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि मुझे तुम्हारे लिए मुझे ही तुम्हारे लिए This is so embarrassing, यार। कभी सोचा नहीं था मैं भी ऐसा बन जाऊंगा। I'm sorry, यार, really. Please. Shucks, shucks. Please, 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 please. ऐसा मत कहो। मुझे तुम्हें सॉरी कहना चाहिए। मुझे पता है कि तुम्हें कैसा लग रहा होगा। No. You have no idea. मैं अभी कैसा फील कर रहा हूं तुम कभी नहीं जान पाओगी। I'm sorry. I know I've broken your heart. I'm really, really sorry. I know, it's okay. I have to go. What? Family emergency. Which I'm sorry. You're a very special person, but Good day, Anne. Goodbye. Bye. All the best. बेटा, ट्रिप कैसी रही? ब्रिलियंट। हे, वहां सत्यजीत राव जी का घर देखा क्या? हाँ, सब देख लिया। बेटा, बेटा। थोड़ी देर सोना है मुझे, डिस्टर्ब मत करना। थक गया होगा बेचारा। ठीक है, हम गेम कंटिन्यू करते हैं, चलो, सिक्स लव। आज मैं ऊपर आसमान नीचे आज मैं आगे ला 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 ला। पापा, रेडी हो? Awesome! आपके ऑफिस डेज याद आ रहे हैं? थैंक यू। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, बिच्चू कहाँ है? बिच्चू पता नहीं। बिच्चू भैया छोड़ो उनको। पापा बिच्चू कम फास्ट बेटा, वी आर गेटिंग लेट। जल्दी आओ बच्चा, शो स्टार्ट हो जाएगा। क्यों बेटा, उस दिन एक्टिंग करने से मना कर रहा था ना, आज देखना। पापा, हाँ? शाम को पार्टी जरूर दूंगा मेरी बच्ची। वाओ, ड्राइवर जल्दी आओ, जल्दी आओ, एक्टर इज वेटिंग, कम ऑन, जल्दी जल्दी गाड़ी निकालो। विजय भव, विजय भव। अरे पापा, क्यों एक्टिंग कर रहे हो? आज मैं आगे जमाना है। ओके ओके ओके, चलो शो का टाइम हो गया है। वाओ, देखो पापा कितने आखिर में स्टार बन ही गए।
इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे चालू हो गई है। हाँ देखो थैंक्स कार्ड आ रहे हैं उस पर। चलो रुकी, अभी तक मूवी स्टार्ट नहीं हुई है। मुझे ये मूवी बिल्कुल शुरू से देखनी है। ऑल द बेस्ट यार। विजय आना, जल्दी आना। एक तेरी सीट का। मैं ऑफिस फ्रेंड्स के साथ फ्रंट सीट पे बैठ रहा हूँ, तू एंजॉय कर। हाँ ठीक है। बनाया किसने है? आप ही ने कहा था ना पापा, 100 सोनार की एक लोहार की। क्या मस्त एक्टिंग कर रही है यार। जल्दी शादी करने वाले। क्या स्टंट से यार। मानसी, तुझ जैसी बेटी का मेरे घर में पैदा होना बदकिस्मती है। एक बेटी का घर में पैदा होना बदकिस्मती नहीं पापा, आदि शक्ति की दी हुई खुशकिस्मती है। बेटी को एक बोझ समझने वाले आप जैसे की घर पैदा होना ही एक पाप है। I hate you, पापा। देखो कितनी अच्छी तरह की है। सारा क्रेडिट अपने विजय का है, बहुत अच्छा काम किया इसने। अबे हीरोइन को डायलॉग सिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है। दम है तो विलन को सिखाना। तो पिक्चर देखना। मेरी सुंदरता देख कर मुझसे प्यार किया था ना? क्या मतलब सुंदरता देख के? ये सुंदरता एक दिन ढल जाएगी, तुम्हारे बाल झड़ जाएंगे, चमड़ी सिकुड़ जाएगी, दांत टूट जाएंगे, पैर मुड़ जाएगा। मुझे तुम्हारी सुंदरता नहीं चाहिए। इस सुंदरता के पीछे जो इंसान है, जो लड़की है, मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ, समझी? तुम्हारे अंदर का इंसान, कैरेक्टर, वो पर्सनैलिटी, मैं उससे प्यार करता हूँ। मेरी दादी मेरे दादू की जान थी। मेरी दादी के आखिरी वक्त में मेरे दादू वहीं थे। दादू ने जब दादी की आंखों में दर्द देखा तो उनका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया और वो टूट गए थे। ये होता है प्यार, और वो प्यार मैं तुमसे करता हूँ। मैं बड़े पापा से कहूंगी, वो मेरी बात कभी नहीं जानेंगे। अब पापा कभी नहीं आएगा। टाटाडा एंट्री। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। किशोर घबराना मत, मैं जरूर आऊंगा। बंद कर लो लॉकअप। नेक्स्ट सीन कहां गया? अरे अंकल, अरे अंकल, नेक्स्ट सीन मेरा था यार। अंकल अंकल नीचे बैठो। कहां गया वो? अंकल आप थिएटर में हो। अरे उसके बाद मेरा सीन था। कहां बैठो? कहा गया वो? अरे लगता है लगता है चेंज कर दिया उन्होंने, एडिट कर दिया होगा। ऐसा थोड़ा ना होता है, हम जैसे बेवकूफों के साथ ऐसा ही होता है। लेकिन वो मेरा सीन तो आना चाहिए था ना। बहुत हुआ, मैं जा रहा हूँ, आप ही देखो, मैं बाहर रुकता हूँ। अरे विजय, इतने अच्छे डायलॉग थे, इतना अच्छा सीन था, कैसे निकाल दिया उन्होंने, मेरी समझ में नहीं। अरे पूरी फिल्म तो देख ले, सीन दूसरी जगह पे होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या चाहिए सर? चाय जी। बोला था ना, अगर आग से खेलोगे तो जल जाओगे, और तुमने वही गलती की। तुझ में इतनी ताकत नहीं है कि तू सच्चे प्यार का मुकाबला कर सके। आज तू हार चुका है। अगर मैं चाहूँ तो इसी वक्त तुझे काट कर यहीं पर दफना सकता हूँ। जानेवन, ससुर ने हरी झंडी दिखा दी है, चलो मेरे साथ। किशोर सर्वेश, लेट्स गो, कम। ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? देखते हैं, पहले चलो तो सही। अरे चल रहे यार सर्वेश, चलो उठ। उन्होंने मेरा सीन निकाल दिया, मेरी फर्स्ट मूवी। चल। हाँ देखो मिचू कहाँ है? मिचू, उस दास को फोन करता हूँ। क्या हुआ? अरे कैसी मूवी यार, कौन देखता है ऐसी मूवीज आजकल? और नहीं तो क्या? अरे अरे इसमें क्या खास है, कौन देखता है आजकल ऐसी फिल्में? लेंथ ज्यादा होगी इसलिए काट दिया होगा अंकल, सॉरी। अरे स्क्रिप्ट के हिसाब से सीन बैठ नहीं रहा होगा, इसलिए उन्होंने एडिट कर दिया। स्क्रिप्ट खराब थी अंकल।
अरे सब भूल जा यार, और भी चांसेस मिलेंगे ना। अरे टेक इट इजी, कोई नहीं यार, हां अगली बार काम मिल जाएगा। चल मिलते हैं। तू टेंशन क्यों लेता है? तू कहां चला गया था बेटा? चाय पीने आया था, पापा का सीन ही नहीं है तो देखकर क्या फायदा। हे हाय, कैसी लगी देखी ना? हाँ देखी, कितनी मारपीट है। उन्होंने वायलेंस तो मेरे साथ किया है, उन्हें नहीं छोड़ूंगा। अंकल मुझे भी नहीं समझ आ रहा है, मैं खुद भी शॉक में आ गया था, उन्होंने क्यों निकाल दिया समझ ही नहीं आ रहा। बहुत बढ़िया किया था, 20 दिन घर मुफ्त में दिया था और लड्डू नमकीन फ्री, किसी को नहीं छोड़ने वाला हूँ। रिलैक्स। कैसा रिलैक्स, काहे का रिलैक्स? तू गाड़ी निकाल, मैं विनू के साथ जा रही हूँ। वो मेरे फ्रेंड ने कॉस्ट्यूम वर्कशॉप खोली है और दिव्या आना चाहती है। एक घंटे में आ जाऊंगी। हाँ कोई जरूरत नहीं, तू चुपचाप घर चल। विनू यू कह रही हूँ। आपको क्या प्रॉब्लम है भैया, मैंने मामा को बताया। क्या कर रही है तू, पागल हो गई है? इसके साथ बाइक पे घूमेगी? ए विजय रिलैक्स यार, तू चुप है। विजू रुक, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। हे ऑफ कर दिया है, फोन ऑफ कर दिया उन्होंने, इनकी ऐसी की तैसी। सर्वा ए विनू तू बोल, निकल जा। क्यों है देखी करूं तू? अरे दिव्या कूल कूल, ये अभी सही टाइम नहीं है, हम लोग बाद में चलेंगे, डोंट वरी। अरे इट्स ओके यार, नेक्स्ट टाइम चले जाएंगे। यार उसको कितना बुरा लगा। आप भी मामा, ये कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? तुम्हारे पापा अपसेट हैं और तुझे घर में जाना है। समझाओ मां इसे। रुक देखना ही, ए विजय सर्वा स्टॉप दिस नॉनसेंस। नॉनसेंस तो उन्होंने किया है, लेट्स गो। हे सर्वेश, क्या हुआ, कट हो गया? Don't you dare! Don't you dare! चिल्ला मत! रास्ते में जो झगड़ा किया वो काफी नहीं था क्या? आप रुको, और आप क्या दादागिरी दिखा रहे हो? मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, क्या सही है क्या गलत मुझे पता है। फिल्म वालों के साथ घूमेगी तो बर्बाद होगी। He is my friend, you idiot! Friend है, देखा है उसके फ्रेंड्स को? बड़ी चीप, वो तेरे जैसे 100 लड़कियों के साथ घूमता है, पता है? आपको कैसे पता, आपने देखा? मुझे पता है। क्या गारंटी है कि मैं 100 लोगों के साथ नहीं आई? मारोगे मुझे, हाथ लगा के दिखाओ। उसी रोन के पीछे दुम हिलाते फिरते तो उसका क्या? स्टॉप इट दिव्या, जाओ। Nobody tells me what to do and what not. मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं, मुझे समझा। I am an adult. Not she, you're the fool. You're the fool. विजू, कहाँ ना बस करो। आज सब के लिए रूम सर्विस, मुझे तो कोई काम ही नहीं है ना, एकदम फ्री हूँ इसीलिए। बैठो माँ। तुमने खा लिया? खा लिया। सॉरी। इट्स ओके। मनाली में क्या हुआ था? कुछ नहीं। अपने गंदे कपड़े उस होटल की लॉन्ड्री बैग में लेकर आया था ना? समीरा, मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है माँ। मैं जो भी करता था, जो भी डिसीजन लेता था, हमेशा काफी सोच समझ कर लेता था। पता नहीं इस लड़की के मामले में आखिर कहा क्या उसने? कहा मुझे उस नजर से नहीं देखती है, सॉरी कहा। होता है, होता है। वो एक सुपरस्टार है और मैं एक कॉमिक आर्टिस्ट। नो, 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 नो। अगर उस लड़की ने ये कहा कि तुझे पसंद नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तू किसी से कम है, ओके? जो होने का कभी चांस ही नहीं है, पता नहीं मैंने क्या सोच लिया। वो लड़की अच्छी है ना, इसलिए मैं भी यही सोच रही थी, ऐसी अच्छी बहू मिल जाए तो कितना अच्छा हो। बट जैसे तुझे ये कहने का हक है कि तुझे वो पसंद है, इसी तरह उसे भी ये कहने का हक है कि तू उसे पसंद नहीं। अरे माँ, मैं उस लड़की पर हक जताने के लिए वहां नहीं गया था। नो, बस अपने मन की बात कहने गया था, दैट्स इट। आई नो। तुम समझ नहीं रहे हो, मैं तो बस यही कह रही हूं, रिजेक्शन इज ओके, ये जरूरी नहीं कि हमें सभी पसंद करें। तू
तुम्हारे पापा से पहले मैं भी किसी लड़के को पसंद करती थी। कॉलेज में सीनियर था, सुपर इंटेलिजेंट, सुनहरे बाल, सुई जैसी नाक, बिल्कुल एक फिल्म स्टार जैसा दिखता था। काफी बेचैनी हो रही थी इसलिए मैंने पूछ ही लिया, थोड़ी फास्ट थी ना। लेकिन उसने बड़े प्यार से सॉरी कहा, कहा कि मैं किसी और से शादी करने वाला हूँ। 6 महीने तक तो बहुत दुखी रही। उसके बाद कॉलेज ड्रामा फेस्टिवल में गोल मटोल से सर्वेश से मुलाकात हुई। हमेशा हंसता और हंसाता रहता, बहुत मजाक करता था। एक दिन मजाक मजाक में कह ही दिया, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। कहने लगा शादी करूंगा तुमसे। प्यार की टेंशन में मैंने उसे मना कर दिया। पर तुम्हारे पापा ने बहुत ही डिग्निटी के साथ हैंडल किया, धीरे से अंडरस्टैंडिंग के साथ, कभी भी ये टॉपिक नहीं निकालते थे। उस बुरे वक्त में सरवा ही मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। उसके बाद कोई दूसरी लड़की उन्हें चाहती ये पता चलते ही मैंने तुरंत उनसे कह दिया शादी कर लो। थिंग्स वर्कड आउट। असली मर्द ना एक लड़की के मना करने पर भी हैंडल कर सकता है, ये कोई बड़ी बेइज्जती नहीं है। लाइफ में ऐसा होता रहता है, गिरते संभलते आगे बढ़ना पड़ता है, लेकिन जल्दबाजी में इस तरह निराश नहीं होते। बेकार में दिव्या पर गुस्सा निकाल दिया। इट्स ओके, एक दो दिन बस, उसके बाद ना आइसक्रीम खिलाकर कह देना तुम्हारा भरतनाट्यम मस्त है, तुरंत मान जाएगी। अगर तू चाहता है तो कुछ दिन के लिए मूर्ति के घर चला जा, उसके पागलपन से ना तेरे दिमाग की सर्विसिंग हो जाएगी। ओके। पापा कैसे? नहीं, दया, एनकरेजमेंट, ये सब कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। मैं कुछ दिनों के लिए मूर्ति के घर रहने जा रहा हूं। जाओ, कम से कम तुम्हारे दोस्त तो हैं। मेरे दोस्त मुझे देखकर हंस रहे हैं। पापा, आपने मन की करने की कम से कम कोशिश तो की है। उन हंसने वालों ने क्या किया जिंदगी में? तू सही कहता था बेटा, सिनेमा एक मायावी दुनिया है, छल कपट की दुनिया, मस्का चस्का वाले लोग। पापा, समंदर में शार्क की वजह से, देखिए ऐसी सुंदर मछलियां रहना बंद कर देती हैं क्या? जो हुआ उसे प्रैक्टिस समझिए, फिर से ट्राई कीजिए। आप ऐसे मत देखिए, आप ब्रिलियंट एक्टर हैं। अपने ईगो को मार कर कह रहा हूं आपसे, बिना किसी वजह के कुछ नहीं होता पापा, अपने टाइम का वेट करना पड़ता है। ओके, फिर से अपनी खोज शुरू कर दीजिए, ये सब भूल जाइए। अभी अभी माँ ने आप दोनों की लव स्टोरी बताई, नाउ यू आर माई हीरो पापा, सच्ची। अबे सब देख रहे हैं क्या कर रहे हैं? समीरा राठौड़ को हंग करने वाले हल्क का स्वागत कर रहे हैं। जो भी हो, समीरा का तेरे डायलॉग्स चुराना गलत है यार। ये ले, पीले पीले यार, और सारे दुख भूल जा। डरपोक और निकम्मे लोग ऐसा करते होंगे। एंजॉयमेंट के लिए कभी एक सिप पी लूंगा, अभी नहीं चाहिए। तू भी तेरे कंपनी के बहाने से मत पी, भेजा तो है नहीं। हा? लिवर का तो ख्याल रख। पता है उर्दू में प्रेमी को जाने जिगर कहते हैं। जिगर का मतलब है अपना लिवर, जाने जिगर का मतलब है डार्लिंग, तुम ही मेरे जिगर के टुकड़े हो। लिखने वाले को पता है कि लव में फेल होने के बाद लवर पर नहीं लिवर पर इफेक्ट होता है।
मैं जा रहा हूँ हॉल में, दो से एडजस्ट कर लूंगा, मर मत। गिरीश, और कल रिलीज होकर देश में हलचल मचा रही मूवी फार दूंगा के हीरो हीरोइन किशोर एंड राइजिंग स्टार समीरा आज हमारे साथ हैं। ए विजय, एक बार इधर आना। क्या हुआ? अरे आना। समीरा जी बताइए, तो इस सक्सेस को आप कैसे एंजॉय कर रही हैं? हमें और हमारे दर्शकों को प्लीज बताइए, हम सभी ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। इट रियली फील्स ग्रेट, वी वर्क वेरी हार्ड, बहुत मेहनत की है इस फिल्म के लिए, एंड जनता को पसंद आएगी तो दिल को तसल्ली मिलेगी। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, इतनी जबरदस्त हिंदी, जनता तसल्ली, क्या बात है, आपकी तो भाषा ही बदल गई। तो क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि आपकी हिंदी ऐसे कैसे इम्प्रूव हुई, इसके पीछे क्या राज है? कुछ समय से ट्राई कर रही हूँ, लेकिन इस फिल्म के लिए स्पेशल केयर लिया है, एक डायलॉग कोच रखकर, रोज डायलॉग बुलवाकर, यू नो हाउ इट इज। Sameera is really very very hard working girl. She is just too good. Actually ये character की हर बारीकी पर गौर करती है। Okay, तो हम movie की बात करते हैं। सबको जो scene पसंद आया वो है जब hero heroine से I love you कहता है। Exactly. You know that I love you scene? Actually film के release होने के बाद से हर कोई इसी बारे में बात कर रहा है। सबको ये बहुत पसंद आया। मुझे अब तक 1000 calls आ चुके हैं और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और मेरा भी favorite scene है। And वो सीन राइटर ने लिखा ही नहीं था। Really? Yes. Wow. जब हम इस सीन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, समीरा केम अप विद एन आइडिया और सारी लाइंस इन्होंने ही लिखी। वाह समीरा जी, तो आप एक राइटर भी हैं? नो समीरा जी, इस फिल्म की राइटर भी हैं? नो, ऐसा कुछ नहीं है। आई डोंट नो, बस ऐसे ही दिमाग में आ गया। आई डोंट नो, आई जस्ट ब्लटर्ड इट आउट। ये थोड़ी सी मॉडरेट बन रही है, इन्होंने काफी मेहनत की। वी हैव ऑल जस्ट लव्ड इट। तो अब वक्त हो गया है फोन कॉल्स का। नीचे स्क्रॉल हो रहे नंबर्स को देखकर आप कॉल करेंगे तो आपकी किशोर जी और समीरा जी से बात हो पाएगी। आप विशेष दे सकते हैं, आप आई लव यू भी कह सकते हैं। तेरा फोन दे। हाँ? तेरा फोन देना। तू ये शो में फोन कर रहा है क्या? हेलो ताके दिमतों, कौन बोल रहा है? हेलो, मैं कुमार बोल रहा हूँ, बैंड्रा से। कुमार जी, आपकी टीवी का थोड़ा वॉल्यूम कम कीजिए ना। हाँ कर देता हूँ, वॉल्यूम कम करो। हाँ, कम। हाँ तो हाँ बोलिए। समीरा मैडम से बात करनी थी। समीरा जी आपके लिए। हाय कुमार जी। हाय समीरा जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। अरे हम तो फर्स्ट क्लास है, हम आपके बहुत बड़े फैन है, आपकी सारी फिल्म देखी है, नई वाली भी, कितनी लाजवाब फिल्म है, सुपर्ब है एकदम। आपने मूवी कितनी बार देखी है? बस एक बार देखी। सबसे ज्यादा आपको क्या पसंद आया? अरे मुझे समीरा जी की एक्टिंग, समीरा जी की डांसिंग, समीरा जी की ड्रेसिंग। बाय द वे समीरा जी, आपका हिंदी बहुत बढ़िया है। अभी आपने कहा ना आपको किसी ने कोचिंग दी है, कोई डायलॉग कोच है, उसका नाम बताइए ना, बताइए ना मैम। अरे मैडम बताइए ना। एक्चुअली पता नहीं वो अभी कहाँ होंगे, बहुत बिजी रहते हैं वो। तो कुमार जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए ना प्लीज। अरे सॉरी, अभी अभी आप जो कह रहे थे ना आई लव यू वाला सीन, क्या कमाल का सीन है, लेकिन मुझे एक डाउट है। पता नहीं क्यों मैडम, मुझे नहीं लगता वो डायलॉग्स आपने, राइटर ने या हीरो ने मिलकर इम्प्रोवाइज किए हैं। किसी ने आपसे बहुत सीरियसली कही बातें लगती हैं, कहीं से कॉपी किया है आपने, सच बताइए। नहीं कुमार जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, इट वॉज जस्ट अस। अरे किशोर जी आप रुकिए ना सर, समीरा मैडम को बोलने दीजिए, फैंस का सवाल है, बताइए मैडम। नो, आई विल आंसर दैट। क्या वो सारे डायलॉग आप ही के थे? हाँ मैंने सच में फील किया था। फील नहीं मैडम, डायलॉग किसके थे? मैं बता रही हूँ ना कि मैंने ही। कुमार जी जब वो कह रही है कि उन्होंने। किशोर तू चुप कर, जोर से डायलॉग बोलता है चेहरा ब्लैंक, जितने मसल दिलाता है कभी उतना चेहरा भी हिलाया कर, पहले एक्टिंग सीख ले। क्या बोल रहे हो ये, मैं अभी यहां से चला जाऊंगा। सर प्लीज प्लीज सर प्लीज सर। तो दोस्तों अब हम लेते हैं एक ब्रेक, स्टे ट्यून्ड टू ताकि दिमतो। ये कैसे कॉलर्स हैं आपके शो के, सर एक्सट्रीमली दिमाग खराब कर दिया मेरा। क्या कर सकते हैं, मुझे तुम्हारा ऐसे सुनो मत बुला। आपके हाल में क्या ने कट किया ना, हमने देख लिया सर, लॉन्ग ही रेडी कर दी सर।
आप क्यों इतनी मेहनत कर रही हैं आंटी? ये हर रोज तेरे हाथ का बना खाना नहीं खा सकता, दुबला हो जाएगा। मजाक कर रही थी, एक करी बनाई थी ना, इसीलिए लेकर आई हूँ। यू कैन ईट मोर। ठीक है ठीक है, मैं देखता हूँ। आई विल सी। हाय, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम यहाँ कैसे? समीरा, अंदर आ जाओ। विजय से मिलने आई थी, घर गई तो अंकल सेड ही इज हियर। गेट आउट। विच्चू, मैं आई सेड गेट आउट। लिसन, जस्ट लेट मी से समथिंग। अभी टीवी पर तुम्हारी परफॉर्मेंस देखे, इट वाज ब्रिलियंट। तुमसे मिलने के बाद मैंने सोचा फिल्मी लोगों के बारे में मेरा ओपिनियन गलत था, पर तुमने जो किया वो मेरे लिए एक थप्पड़ जैसा था। तुम में और उस डायरेक्टर में क्या फर्क है? उसने कहा वो मेरे पापा को एक्टिंग का चांस देगा, 20 दिन तक घर इस्तेमाल किया, फिर सीन एडिट करके फेंक दिया। लोगों का इस्तेमाल करना तुम्हारे प्रोफेशन में बहुत कॉमन है। तुम मुझे पसंद नहीं करती, दैट इज फाइन, लेकिन जो बातें जो फीलिंग्स मैंने किसी के साथ शेयर नहीं की वो तुम्हारे साथ शेयर करने के बाद उन्हें फिल्म के डायलॉग्स में बदलकर ये जो क्रेडिट ले रही हो ना तुम, दैट इज डिस्गस्टिंग। यू डिस्गस्टेड मी, प्लीज लीव। ऐसी बातें करके मुझे खुद से ही नफरत होने लगी है। जस्ट गेट द हेल आउट ऑफ हियर एंड डोंट यू एवर शो मी योर फेस अगेन। हेलो मिस्टर विजय। सर, हमारी कंपनी से तुम्हारी किताब पब्लिश होगी तो उसकी मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ओए, मेरी फर्स्ट बुक पब्लिश हो रही है। यस, ये यही प्रमुख अभिनेत्री समीरा राठौड़ का घर है। करीब 2 घंटे पहले समीरा अपने घर पर बेहोश स्थिति में पाई गई। सूत्रों से पता चला है कि उनकी दोस्त रम्या ने उन्हें इस हालत में देखकर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। प्राथमिक स्थितियों को देखकर लगता है कि ये आत्महत्या की कोशिश थी। समीरा ने ऐसा कदम क्यों उठाया, ये बात अभी भी रहस्यमयी है। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगले 24 घंटों तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। डॉक्टर्स का कहना है कि समीरा को बहुत गहरी चोट लगी है। पुलिस ने बताया है कि समीरा राठौर को अपने घर की छत से कूदने की वजह से सिर पर गहरी। अब बात बात पर रोएंगे तो कैसे चलेगा? विजय, अरे बेटा, वो ऊपर है बेटा, आईसीयू रूम नंबर। मेरे घर पहुंचने से पहले समीरा। तुम रुको रम्या, मैं इस केस के सिलसिले में पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, आप अंदर जाकर देखिए। रम्या तुम यहीं पर हो ना? मैं हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ, ध्यान रखना। अब कैसी है वो? वैसी ही है, डॉक्टर से ही पूछना होगा। डॉक्टर, अब कैसी है? क्रिटिकल है बट स्टेबल है, कल सुबह तक तो कुछ नहीं कह सकते। लकीली वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करेंगी तो उम्मीद है सब अच्छा ही होगा। देखो यही है, टॉर्चर था, पिछले कुछ महीनों से और बढ़ गया था। नाम क्या बताया इसका? अमित, अमित मल्होत्रा। बॉयफ्रेंड है? हाँ, अमित और समीरा मुंबई में एक ही एक्टिंग स्कूल में पढ़ते थे। समीरा अपने बैच की बेस्ट स्टूडेंट थी, वो समीरा का सीनियर था, कैजुअली फ्रेंडशिप शुरू हो गई। थैंक यू। एक्टिंग और टैलेंट की तारीफ उस एज में सबको पसंद आती है, इसे भी पसंद आ गई। उसके बाद बहुत क्लोज फ्रेंड बन गए। पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं था इसलिए समीरा को अमित का एनकरेजमेंट बहुत पसंद आया, वो उसके करीब जाने लगी। इतना ही नहीं, उसकी तारीफों पर भरोसा करने लगी। उस लड़की को एक रानी की तरह ट्रीट करता था वो। सो समीरा को धीरे धीरे उस पर भरोसा और प्यार होने लगा। नेचुरली ये तो होना ही था और वही हुआ। कोर्स पूरा होने से पहले समीरा को फिल्म में ब्रेक मिला। मैंने उसकी फोटोज एक डायरेक्टर को दिखाई थी। अमित भी पहले खुशी नजर आ रहा था, उसे एक बहुत बड़े बैनर में अच्छी डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला। This looks good. पहली फिल्म से ही समीरा काफी फेमस हो गई। It was great. दूसरी फिल्म के लिए भी बड़े डायरेक्टर मिले। Perfect. Start camera. मूवी बहुत हिट हो गई। Cut it, super. इन दो फिल्म के सक्सेस के बाद अमित ने शूटिंग पर आना शुरू कर दिया। समीरा मना नहीं कर पाई, समीरा की सक्सेस को खुद का समझकर सारे कंफर्ट्स का फायदा उठाता। लेकिन एक तरफ से सक्सेस ना मिलने का फ्रस्ट्रेशन, ये सैंडविच है, हाँ?
दूसरी तरफ दिन ब दिन समीरा की बढ़ती प्रॉपर्टी ने उसे पैरासाइट में बदल दिया। डिमांड्स बढ़ गई, उसके अंदर का जानवर बाहर आने लगा। मैनेजर ने मुझसे कहा अमित को शूट पर आने से मना करो, वो एक सिरदर्द बन गया है। मैंने जाकर समीरा से ये बात कह दी। समीरा बहुत सेंसिटिव है, ये बात अमित को कैसे बताना है ये समझ ही नहीं पा रही थी। आखिर में उसे बताना ही पड़ा। अमित को ऐसा फील हो रहा था जैसे समीरा उसे धोखा दे रही है और झूठ बोल रही है। वो रूठ कर चला गया। थैंक यू मिस सुपरस्टार फॉर अंडरस्टैंडिंग मी। तब शुरू हुआ टॉर्चर। तुम स्वार्थी हो और मुझे एक दोस्त की तरह सपोर्ट नहीं कर रही। सक्सेस सिर चढ़ गया है, इस तरह की बातें बोलकर उसे टॉर्चर करता। बेचारी समीरा उसे समझाने की बहुत कोशिश करती, कुछ भी करके उसे बदलना चाहती थी, लेकिन समीरा की अच्छाई को वो उसकी कमजोरी समझने लगा था। वो अमित, जब समीरा को पता चला अमित साइकोटिक बन रहा है तो उसे दूर रहना चाहती थी, लेकिन उसने उसे नहीं छोड़ा। फोन पर फोन, हर रोज। तुम्हारे घर में शूटिंग स्टार्ट होने के बाद तो टॉर्चर और बढ़ गया था। अच्छा, अब तुम बात भी नहीं कर सकती। स्टॉप। Can I please work in peace? हेलो, okay, हेलो, समीरा। समीरा आसानी से किसी को छोड़ नहीं सकती और यही उसकी कमजोरी है। लेकिन तुम्हारे घर में शूटिंग होने के बाद से समीरा को उतना खुश मैंने पहले कभी नहीं देखा। हर रोज वो खुश रहती, पॉजिटिव एनर्जी से भरी हुई। शूटिंग शुरू होने का वेट करती थी वो, जानते हो क्यों? तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारे साथ टाइम बिताने के लिए। तुम पर भरोसा करने लगी थी कि तुम उसके मन के करीब हो, तुम्हें पसंद करने लगी थी, वो तुम्हें चाहने लगी थी। विजय, तुमसे बात करने या उसकी पसंद नापसंद शेयर करने के लिए मरती थी समीरा। तुम्हें देखती थी तो बस चेहरा चमक जाता था उसका। तुम्हारे घर से जब शूट खत्म करके घर जा रही थी, बहुत दुखी थी वो बेचारी। एक तरफ उस अमित का टॉर्चर, दूसरी तरफ उस किशोर का बर्ताव। हमारी इंडस्ट्री में हमने फर्स्ट दो मूवीज में काम किया था, वो लोग जितने अच्छे थे ना, ये किशोर उतना ही बुरा है। जानते हो, कई लोग समझते हैं एक लड़की इंडस्ट्री में आ रही है तो वो फिल्मों में काम पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। कहते हैं इतनी परेशानी है तो मत आओ, यहाँ आई हो तो ये सब करना ही पड़ेगा। ऊपर से उस किशोर की बकवास बातें। मैं नहीं कह रही कि सारी लड़कियाँ देवियाँ होती हैं, एक दो बुरी भी हो सकती हैं। क्यों, लड़के नहीं होते क्या? तुम्हारे मनाली आते ही शाम को अमित भी वहाँ आ पहुँचा था, सीधा समीरा के होटल में ही चला गया। समीरा तुमसे मिलने आई थी, उसी होटल में किशोर था। अमित को चिंगारी लगा दी कि समीरा अपने हैदराबाद के बॉयफ्रेंड से मिलने आई हुई है। Okay, see you later. वो पागल बंदर की तरह बेचैन होकर समीरा को फोन पे फोन करने लगा। वो कहीं तुम्हारे पास ना आ जाए, इस डर से समीरा वहाँ से चली गई। तब से उसका पूरा कंसंट्रेशन तुम पर है, तुम्हारे बारे में जानने की बहुत कोशिश करता था। समीरा ने कुछ नहीं बताया। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पहली बार उसने समीरा का गुस्सा देखा, धमकाना शुरू कर दिया। I'll kill him. समीरा घबराने लगी, पूरी कोशिश कर रही थी कि तुम्हारी फोटो भी उसे ना मिले, डर था कि कहीं तुम्हें कुछ न कर दे। इतने में मूवी रिलीज हो गई, तुमने डायलॉग सुनकर समीरा को डांट कर बाहर निकाल दिया। उस उल्लू राइटर ने बकवास डायलॉग्स लिखे थे, प्यार करने वाले ऐसी बातें करते हैं और गलती से तुम्हारे दिल की बातें कह दी। उस राइटर ने तुम्हारी बातें चुरा ली। तुम्हारे डांटने के बाद समीरा बहुत दुखी हो गई। दूसरी तरफ अमित, समीरा ने लास्ट टाइम उससे मिलकर समझाने की कोशिश की थी, तब उस बेवकूफ ने समीरा को एक और शॉकिंग न्यूज बता दी। उसे और समीरा को कोई बॉलीवुड प्रोड्यूसर ब्रेक देगा। उसने कहा उसके लिए समीरा को उस प्रोड्यूसर के साथ एक रात बितानी होगी। समीरा को बहुत गुस्सा आ गया। अगर समीरा ने उसकी बात नहीं मानी और अगर ये सब करने से मना कर दिया तो समीरा और उसकी पुरानी फोटोज वीडियोस मीडिया को देकर फेसबुक ट्विटर पर पोस्ट करके उसकी इज्जत और करियर बर्बाद करने की धमकी दे रहा था उसे। इस महीने 15 दिन तक डेडलाइन लगाई। मेरे लिए इतना सभी नहीं कर सकती हो? इट्स अबाउट माय लाइफ, माय करियर, एवरीथिंग। Get out. मैंने कहा बहुत हो गया, पुलिस में कंप्लेन करते हैं,
तो समीरा ने मना कर दिया। उस अमित को बाद में हैंडल करते हैं। अगर अभी पुलिस कंप्लेन करेंगे तो पुलिस के दो चाटे मारने से अमित विजय का नाम बताएगा और तुरंत ही विजय के नाम पर मीडिया वाले कीचड़ उछालेंगे। विजय और उसकी फैमिली इसमें नहीं फंसनी चाहिए, इसलिए पुलिस को एक्सीडेंट ही बताया। ये अमित कहाँ मिलेगा? सुन, उस अमित का एड्रेस मिल गया है। वो यहीं पर रहता है, पूरे मुंबई से कर्जा लिया हुआ है उसने। क्या हुआ यार, क्या प्लान कर रहा है तू? मारना है क्या उसको? ए चुप कर, तुझे एक और लीव लेनी पड़ेगी। दो मेजर इवेंट्स हैं, तुझे अटेंड करने हैं। हाँ? और तेरा बुक लॉन्च? हमारा लॉन्च और अमित की डेडलाइन एक साथ है, करना होगा। वैसे हम तीनों के अलावा दो और तगड़े लोग मिलेंगे। हम दो तगड़े लोग, वेंकट और रवि है ना, वो हर काम के लिए तैयार रहते हैं बॉस। पर कैसा काम? कौन है यार सुबह सुबह? रेडी बॉस। बहुत सालों से मुझे ऐसा सीन करने की इच्छा हो रही थी। कुर्सी। ओह, टेक्निकल प्रॉब्लम। कौन तुम लोग? सिक्योरिटी। तुम्हारा नाम? योर नेम? अमित, अमित मल्होत्रा, अमिताभ मल्होत्रा। अमिताभ बच्चन, व्हाट अ ग्रेट एक्टर। इतना वक्त नहीं है, लिखे हुए डायलॉग पढ़ो। hey! चुप, इतना अच्छा मूड में और लिखे हुए डायलॉग पढ़ो? लिखे हुए डायलॉग पढ़े टॉर्चर कर रहे हो। पहले मैंने क्या कहा था? धन धन धन, बहुत अच्छे से सबने तारीफ की, लेकिन क्या किया? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कट, काट दिया। काट दिया, लेकिन क्या काट दिया? आज लगता है ये ऑस्कर लेकर ही जाएंगे। ला 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 ला। क्या देखते हो सूरत तुम्हारी? गाओ। क्या चाहते हो? फिंगर तुम्हारी। यार मुझे नहीं पता था तेरा बाप साइको है। मुझे भी आज ही पता चल रहा है। फिंगर बस, बस। बहुत टाइट शेड्यूल है बॉस, आगे दो और मर्डर भी करने जाना है। जरा जल्दी कीजिए ना प्लीज। तुम समीरा को जानते हो? समीरा? लगता है इसे सिर्फ 3D में ही समझ में आएगा। ये तो पूरा गजनी बन गया रे। I am the number one fan of समीरा राठौर। समीरा, समीरा। ये सब तेरे बाप ने कब किया? ये मेरा बाप हो ही नहीं सकता। देख, देख, तेरा बाप गजनी देखकर आया है क्या? तू क्या जानता है? बच्चे हो तुम? उसका ओरिजिनल वर्जन क्रिस्टोफर नॉलन है, मेमेंटो का कॉपी किया हुआ। इंग्लिश फिल्म, फ्रेंच फिल्म, कोरियन फिल्म, कॉपी कर लिया। कॉपी करना जानते हो? कॉपी कर लिया। शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरी समीरा को ब्लैकमेल करेगा तो समीरा को परेशान करेगा तू? समीरा को परेशान करेगा? ये देख इसको हिम्मत आ गई। बस करिए, बच्चों का ड्राइंग बनाने वाला आज बहुबली बन गया है। छोड़, छोड़, जा तू, मेरे प्रेम के सामने आ रहा है। मुझे एक बार चांस मिला है, देख नहीं रहा है तू? अरे क्या कर रहे हो, इसको छोड़कर आपस में क्यों लड़ रहे हो? मुंबई अंडरवर्ल्ड का नाम सुना है? मुंबई अंडरवर्ल्ड नाम सुना है? मुंबई अंडरवर्ल्ड, मुंबई अंडरवर्ल्ड का नाम सुना है ना? दोस्ती है मेरी उनसे। एक फोन करूंगा ना तो बेटा, मुंबई अंडरवर्ल्ड में तेरे दोस्त हैं सत्या, कंपनी, दयावान।
तेरी तो मेरे भाई को जानता है तू। हमने सब प्लान किया है, बीच में मत रुकना, रुकना मत, रुकना मत। अरे क्या नहीं रुकना, मेरे पैंट में सुसु नहीं रुक रही, पहले बताना था ना। मुंबई में गन्स का इस्तेमाल होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम्स अलग हैं। सोनी मैक्स पर डबिंग फिल्में नहीं देखी तूने अभी तक लगता है। सिम्हा नायडू, सरजवा महारेड्डी, सिम्हाद्री आदि, यहाँ सिर्फ चाकू घोपना है या नहीं यही देखते हैं। जय समीरा। ये अच्छा है, रजनीकांत ही बादशाह है ये जानने के बाद आने वाला रिएक्शन शॉट। सोचा था मुंबई अंडरवर्ल्ड का नाम सुनते ही मेरी गीली हो जाएगी। सॉरी बॉस, आपको देख के तो मेरी गीली हो गई। नेवर माइंड, आई हैव चार चीजेस फॉर यू। पहली चीज, तुम्हारे और समीरा के वीडियोस, फोटोज, एनीथिंग, सूटकेस। देख, अगर कोई बैकअप लिया ना तूने, तो मुंबई आकर टुकड़े टुकड़े कर दूँगा, समझा? पीछे पीछे, पूरा फ्लो तोड़ दिया तूने। अब दूसरा, सेकंड, छोटू, शूट हिम। क्या? शूट कर दूँ? पूरी फैमिली के लोग खूनी हो क्या? घर पे आंटी लड्डू के साथ बॉम्ब बना रही है क्या? चुप कर ना, तेरी पैंट गीली हो चुकी है। छोटू शूट हिम ना। मुझे गलती हुई, डर गए बेटा? ये वो शूटिंग नहीं, सिनेमा शूटिंग है। कन्फेशन बोल, तूने समीरा को कैसे, समीरा को कैसे धोखा दिया, कैसे टॉर्चर किया, क्या डिमांड किया, सब बता साले, बता। हाँ हाँ, बोल बोल। हेलो हेलो, मैं श्याम बोल रहा हूँ, धुआंधार से। धुआंधार से? धुआंधार पब्लिकेशन से श्याम। ओ सर, आप हैं, बोलिए ना। विजय कहाँ है, फोन नहीं उठा रहा वो। 6 बजे का लॉन्च है, मीडिया वाले लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। हाँ सर, वही बुक लॉन्च है ना, तो उसके लिए कुछ शॉपिंग करने गए हैं। ओह एनीवे, वो जैसे है उसे फौरन मुझे फोन करने को कहना, जल्द से जल्द फोन करने को कहना। हाँ फोन करो ना, फोन करो, फोन करने के लिए कहना उसे, 6 बजे का लॉन्च है, उससे पहले भेजना। कट, सुपर्ब। डायरेक्शन इज ए ग्रेट आर्ट यार, कभी ट्राई करना चाहिए। अब थर्ड, तीन, तीसरा, समीरा को फोन करो। क्या? हेलो समीरा। अमित, मैं जा रहा हूं। हाँ? अरे मुंबई वापस जा रहा हूं। ये लाइन पर बस। मैं वापस जा रहा हूं और कभी दोबारा नहीं आऊंगा। तुम इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? मुझे माफ कर दो समीरा, माफ कर दो, मैं कभी तुम्हें अपना सेहरा नहीं दिखाऊंगा। मुंह, चेहरा, सेहरा नहीं, मैं कभी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। मुझे माफ कर दो, मैं वापस नहीं आऊंगा। गुड बाय एंड गुड लक। अब चौथा और लास्ट, 2 घंटे में मुंबई की फ्लाइट है, तुम यहां से अब चले जाओगे। वैसे तुम खुद वहां जाकर अमित को धमका सकते थे ना। पापा, दोस्तों के साथ जाकर उसे मारता तो बदले की आग में समीरा को और टॉर्चर करता। ऐसों की मर्दानगी लड़कियों को फंसाकर उन्हें धमकाने तक ही होती है। असल में वो फट्टू है। ये भी सही है, इसलिए मारने से फायदा नहीं होता, उसे सच में डराना था। और आप जैसा एक्टर घर में तो उसे वेस्ट क्यों कर? तो ये प्लान बनाया। पापा, मुझे असली ब्रेक तो दरअसल तुमने दिया है। यू आर माई हीरो। ऐसा कुछ नहीं है। अरे कहाँ लगा दी तुमने इतनी देर? I'm very very sorry sir। अरे कहाँ कहाँ? Actually emergency थी। अरे हाँ, पर हुआ sorry, क्या? Sir, ये तो बताओ। देखो ये क्या हाल बना रखा है? सेफ्टी के लिए कपड़े लेकर आई थी। अरे माँ, you're a genius। Sorry। चलो चलो। पापा यहाँ किसी को धमकाना नहीं है, बटन लगाओ। देव वेटिंग। जल्दी आओ, जल्दी आओ, तुमने चीफ गेस्ट को 45 मिनट वेट करवाया है। सर वो हमें भी अभी पता चला। समीरा,
विजय। हाय, कंग्रेचुलेशंस। हे समीरा। आंटी। अंकल, हाउ आर यू? हाय। हाय। आइए बैठिए। यहाँ बैठ सकते हैं? आप सभी को नमस्कार। हमेशा की तरह देरी से शुरू करने के लिए माफी चाहता हूँ। हिंदी दर्शकों की चकाचौंध करने वाली हमारी चीफ गेस्ट समीरा राठौड़ जी को अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा। आप सभी जानते हैं समीरा जी का हाल ही में एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। सोचा था कि वो नहीं आएंगी, लेकिन उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो जरूर आएंगी, तो आई। आपके सम्मान के लिए बहुत बहुत थैंक यू समीरा जी। और साथ ही मैं हमारे आर्टिस्ट विजय कुमार को अब मंच पर बुलाना चाहूंगा। अब बिना किसी देरी के हम बुक को रिलीज कर देते हैं। तारे उतर आएंगे। अब हम कहानी सुनते हैं। बुज्जी एक बहुत ही अच्छा लड़का है। बुज्जी से उसके माता पिता बहुत प्यार करते थे, लेकिन पता नहीं क्यों बुज्जी बहुत शर्मीला था, इसलिए बुज्जी के ज्यादा दोस्त नहीं बने। काफी टाइम अकेला ही रहता था, किताबें पढ़ते हुए, चित्र बनाते हुए, अपने आप से खेलते हुए। बुज्जी को रात के समय छत पर सोकर तारे गिनना बहुत पसंद था। उन तारों को ही वो अपना दोस्त मानता था। तो एक दिन अचानक एक तारे ने उससे बात की। बुज्जी हैरान हो गया। उस तारे ने झुककर कहा कि मेरे साथ आओगे, मैं पूरा आकाश घुमाऊंगी। ये सुन के बुज्जी खुशी से झूम उठा। तारे ने हाथ पकड़ा और फिर वो बुज्जी को अपने साथ आसमान में ले गई। बुज्जी बहुत खुश हुआ। ग्रहों के साथ उसने पकड़म पकड़ाई खेली, चांद के साथ लुका छिपी खेली, और ऐसी कई रातों के बाद एक रात वो तारा गायब हो गई। बुज्जी ने उसे बहुत ढूंढा, पर वो तारा कहीं नजर नहीं आई। बहुत पुकारा, पर आवाज नहीं आई। पुकारते पुकारते बुज्जी का गला भर आया और वो फूट फूट कर रोने लगा। उसका रोना सुनकर उसके माता पिता उसके पास आए और उसे समझाने लगे और पूछा कि बेटा बात क्या है। तो बुज्जी ने उस तारे के बारे में अपने माता पिता को बताया। तो माँ मुस्कुराकर बोली, बेटा सपना आया होगा, और उसे फिर प्यार से वापस सुला दिया। सोने का नाटक करके भी बुज्जी ने उस तारे को ढूंढना छोड़ा नहीं। बाद में बहुत दिनों बाद एक रात वो तारा वापस लौट आई, बुज्जी से बात की। बुज्जी ने गुस्से में पूछा, कहाँ गई थी? तो तारे ने कहा, जानते हो तुम जैसे कितने अकेले बच्चे होंगे, आखिर उन सब से भी तो कोई न कोई बात करने वाला चाहिए ना, और वो काम मैं ही तो कर सकती हूँ। बुज्जी ने कहा, सच में? तारे ने कहा, हाँ सच में। बुज्जी के चेहरे पर बहुत दिनों बाद फिर से मुस्कुराहट लौट आई, और उसके बाद उसके होठों से हंसी कभी गायब नहीं हुई। उस तारे ने बुज्जी का साथ नहीं छोड़ा। समीरा जी, few words please. सबको मेरा नमस्कार। This is really a lovely book. श्याम जी, विजय जी, congratulations. बहुत अच्छी है. And I hope I'll get a copy later. Of course, जरूर देंगे आपको. Thank you. Actually, इस कवर को देखकर लगता है जैसे मेरी ही कहानी है. मैंने भी बचपन में बहुत सारे तारों से दोस्ती की थी. सोचे बिना ही गलती से स्टार बन गई मैं. बहुत से लोगों का ये सोचना है कि स्टार्स नॉर्मल इंसान नहीं होते, लेकिन हम लोगों को भी लगता है कि नॉर्मल जिंदगी होती तो कितना अच्छा होता. हमेशा नाटक करते रहना मुश्किल है ना. पुच्छी की तरह मैंने भी एक तारे से प्यार किया था, लेकिन उस तारे से कभी कह ही नहीं पाई. ना बताने के कारण तो बहुत सारे हैं. उस तारे ने दिल खोलकर मुझसे बहुत सारी बातें की, उन्हें चुराकर मैंने अपनी फिल्म में डाल लिया.
उस ताले को बहुत दुख हुआ और वो मुझे छोड़कर चला गया। Maybe forever। भले ही मैं एक स्टार हूं लेकिन मेरे सीने में भी दिल है। प्यार, इश्क, मोहब्बत मेरे लिए भी मायने रखते हैं। पूछी की कहानी की तरह ही वो तारा भी मेरी जिंदगी में कभी ना कभी लौटकर जरूर आएगा, इसी उम्मीद पर जी रही हूं मैं। Anyway, congratulations to all of you. I hope कि आप लोगों की ये सीरीज बहुत सक्सेसफुल हो। Thank you, Sameera. Thank you for your wonderful speech. Excuse me, मैं चलती हूँ. I'm not feeling well. Sameera ji is a little unwell, so she is leaving now. और हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके यहाँ आने के लिए थैंक यू समीरा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। जाकर समीरा को दे दे, मैं उसे बाद में कॉल करूंगा। हाँ, ठीक है। थैंक यू समीरा। नो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बाय। ओके, बाय, टेक केयर। बाय समीरा जी, रुकिए समीरा जी। समीरा जी कहाँ है? वो तो चली गई। अरे यार, चली गई यार। सुन, जल्दी जाओ, संभल कर जाना। हाँ। तो ये सब खत्म होते ही सारे बुक्स पहुंचा दीजिएगा। विजय, तुम भी दो शब्द कह दो ना। आप सबकी इजाजत से एक छोटा सा काम करना है। बताता हूं, बताता। ए BMW, ए रुक, साइड में लगा, चल जल्दी कर। विजय अंकल ने अमित को, बहुत बड़ी स्टोरी है लेकिन फोन उठाइए समीरा जी, यू वोंट रिग्रेट इट। व्हाट? वो आपको कॉल कर रहा है। ओह गॉड। हेलो, हेलो समीरा। हे, थैंक यू। मैं डर गया था तुम उठाओगे नहीं। सॉरी, वो साइलेंट पर था, देखा नहीं मैंने। इट्स ओके, तुम्हारे देखने तक करता ही रहता है। एक्चुअली तुम्हारी कहानी में जो तारा है ना, वो बहुत बड़ा इडियट है। तुम जैसी लड़की को छोड़ने वाला, वो भी बस कुछ डायलॉग्स की वजह से। अब यहाँ जो मीडिया है उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गाइस, उस लड़की की कहानी में मैं ही उसका तारा था और मैं कहीं नहीं गया समीरा, यहीं हूं, तुम चली गई हो मुझे छोड़कर, और मैं जानता हूं तुम क्यों गई हो। इसलिए इन सब के सामने, पूरी दुनिया के सामने कह रहा हूं, आई एम सो सॉरी, आई हर्ट यू, I love you, Sameera. I love you a lot. आज एक दिन में इतने पागलपन भरे काम किए हैं जो पूरी जिंदगी में नहीं किए थे। बस तुम्हें खो दूंगा इस डर से। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक बार फिर से हमारी टेरेस पर आओगी
तुम्हें फिर से कॉपी करने के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे डायलॉग सुनाऊंगा। I just want to be with you. Hold you, talk to you. Please. पर मैं बहुत दूर आ गई हूँ विजय। कोई बात नहीं, दूसरी गैलेक्सी में हूँ तो भी आ जाऊंगा। गैलेक्सी तक आने की जरूरत नहीं है, अंधेरी ईस्ट में हूँ। मर गया, वहां के ट्रैफिक से दूसरी गैलेक्सी जाना इजी है। लेकिन कोशिश करूंगा। Just wait for me. मैं ट्राई करूंगा। बस अभी आया। अरे छोटा